ये सूचना जनहित में जारी है। अरे भारी है सत्यानाश हो इनका। शुक्राणुओं की कमी, शीघ्र पतन से छुटकारा, बेड़ा गर्क करके रख दिया देश का है। सेक्स पावर बढ़ाने की जबरदस्त आहा, गुप्त रोगी मिले। ये गंदे गंदे विज्ञापन पूरी गाड़ी में कैसे लगा रखे? चपना नहीं चिपका हुआ साहब। चिपका है नहीं तो हटाए तो सकते हो। अरे कहाँ तक हटाए, इस साला फटुआ रोज नया विज्ञापन चिपका देते। शिलाजीत का विज्ञापन हटाओ तो अंदर से मर्दाना कमजोरी का विज्ञापन निकल आता। वैसे आपको इतना दिक्कत क्या करो भाई साहब? क्यों होगी भाई दिक्कत? एक ही इस्तेमाल को आप 8-8 बार देखोगे है? तो कड़े से कड़क आदमी कमजोर पड़ जाएगा। हमें कमजोरी फील हो रही है, है? अरे बात कर रहे हो, और कमजोरी कैसी मतलब है? जो मर्दाना कमजोरी अगर होती तो आज हम सारे के सारे इतने सारे नहीं होते। समझे कि नहीं? समझ गए, समझ गए। अरे जिसको मेरे को साला बच्चा पैदा किया जा रहा है। मर्दाना कमजोरी का नतीजा है। आप बैठ जाइए। अरे समझ गए भैया, समझ गए। लावण जी पैसे निकाल। टिकट। बिटिया कौन सा महीना है? अक्टूबर। लावण जी अक्टूबर? नहीं नहीं, साल को नहीं, पेट को। ओ आठवा। चलो चलो भाई आगे बढ़ो। पहलो दूसरो तीसरो। ओ नाम का सोचे है बच्चे को? चुप। लड़की का नाम चुप, लड़का हुआ तो चाप, दोनों साथ हुए तो चुपचाप। ओ अच्छा, मैं तो डरी गई थी। आप भी डरती हैं? नहीं नहीं, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। आ चुपचाप। चंदेरी 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 कौन है? चंदेरी चंदेरी वाले बाहर आ जाओ। चलिए आंटी जी, हाँ फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमसे मिलो ना मिलो, अपने पति से कमाई मिलो। देवी प्रसाद एंड फादर्स इवेंट कंपनी, यहाँ जन्म के कार्यक्रम से लेकर मैयत का क्रियाकर्म सब कुछ तसल्ली से करवाया जाता है। क्यों भैया, देवी प्रसाद आप ही हैं क्या? इस शक्ल पे कोई और नाम सूट करता है? नहीं तो फिर हम ही हैं। तुम बताओ गुरु महाराज, तुम्हारी क्या सेवा करें? काका करते हैं भैया सब कुछ, शादी ब्याह मुंडन मैया जन्मदिन खतना हर काम होता है उचित मूल्यों पर। खतना भी? ओ नहीं तो क्या? अच्छा? चंदेरी से कबालियर बुलाया जाता है हमें रिबन कटिंग करने के लिए। देखा जो पहली दफा दिल मेरा धक धक हुआ, क्या ये हदा क्या ये नशा, देखो मैं सौ मरतबा।
है भाई, है ना? हाँ भाई, तो बाल नहीं, बाल नहीं, उसने तुम्हारी पकड़ ली तो मुसीबत हो जाएगी यार। अच्छा तो ये मुंह पकड़ लेते हैं, मुंह भी तो नुकीला है। तुम अंदर आओ, ऐसे ये पकड़ो कागज और ये पकड़ो पेन और 101 बार लिखो मनोकामना त्रिपाठी हमारी बहन है। भैया हमारी नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हें लिख लो। ये बात भी सही है, थोड़ा लात मारे ग्वालियर खिले जाकर चिपकोगे। क्या हो रहा है? दीदी 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 आप ही हमारी बहन हो, सिर्फ आप ही बहन हो। बहन क्यों बोल रहे? इमोशन में बोल रहा है, इसकी कोई बहन नहीं है ना, घर में चार चार भाई हैं, दो दो बाप हैं, सिर्फ मर्द मर्द ही हैं, लेडीज के नाम पे बस साइकिल है। तो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारी कोई अच्छी सी बहन बनवा दो, तो हमने आज बनवा दी। नहीं दीदी पैर छू, चलो भगलो, रक्षा बंधन से पहले नजर नहीं आना। पकड़ो बिल्कुल, तो थोड़ा तो बताओ क्यों बुलाया? बैठो यहाँ, यहाँ बैठो। जी देखो बीट बियर, लो फैट नो कैलोरी। ये कहाँ से मिली तुमको? ये तो पूरी चंदेरी में नहीं मिलती। जी हम ग्वालियर से लाए हैं। बड़ा ख्याल रखते हो हमारा। वी आर गुड फ्रेंड्स, तो इतना तो कर ही सकते हैं। बस अभी सिर्फ दो, चलते हैं। मुझे भी बहुत लेते हैं लेते हैं। अरे आ गई। अरे मनु बिटिया कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें, उठा के मिल रही फोन? आदि बैठे मनु। अच्छा बैठ बैठ बैठ। जे हमारी बेटी मनु है, जे नीलू है। आंटी नीलेश, फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था इन्होंने। अच्छा हाँ। अंकल जी आप उठेंगे? क्यों, लड़का लड़की बात कर ले। अच्छा बेटा आजा बेटा आजा। आई आई आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? आप नहीं। ट्विटर पे? चलाता ही नहीं। फेसबुक पे? अकाउंट ही नहीं। किस पे है अकाउंट? एसबीआई। एसबीआई? अच्छा एसबीआई भी है। वैसे शादी के बाद कितने बच्चे सोचे हैं मेरे नीलू ने? आप तो प्रोसेस पे चले गए, रिजल्ट पर आइए। कुछ प्लानिंग की है? जी वो तो शादी के बाद ही देख लेंगे। प्लानिंग के साथ तो दो बच्चे भी सही है, और बिना प्लानिंग तो एक भी गलत। जी बिल्कुल। वैसे आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? आजकल जब लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं तो पूरी सोसाइटी देखते हैं अंकल, पर आपने तो बस फ्लैट की फोटो देखकर ही पसंद कर लिया। थैंक यू सो मच। नीलेश आप टॉल, डार्क, हैंडसम भले ही ना हो, लेकिन मुझे पसंद हो। अरे वाह, वैसे आप रात को कितने बजे सोते हैं? मैं लेट ही सोता हूँ, 9 बजे, मतलब तारक मेहता देख के सो जाते हैं। तारक मेहता? हम सोच रहे थे कि हम आपसे पूरी रात बात करें, लेकिन आप तो नहीं। नहीं मैं जाग लूंगा, मतलब आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। तो लिखिए 9847352 19, लिखिए। लिख लिया। वेरी गुड। तो हम रोज रात को चैट करेंगे। क्यों पापा? वो सब तो ठीक है, पर मोबाइल नंबर जो याद हो गया अंकल, पापा जी। ठीक है तो मैं रात को तारक मेहता के पहले कॉल करता हूँ। हाँ जी चलिए मम्मी पापा, बात चल बात तो कर ले। शी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही है, जान पहचान होगी उसके बाद। अच्छा भाई तो पंडित जी से मोहर निकलवाते हैं। ठीक है ठीक है, पंडित की तो बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की देखने आ जाते हैं, खुद का लड़का नहीं दिखता इनको। मम्मी पिछली बार भी तुमने दो लड़कों को हमारा नंबर दे दिया, रात को चार चार बजे उठ के दिल भेजते हैं व्हाट्सएप पे। कल की ही बात है, एक लड़के का व्हाट्सएप मैसेज आया, बोलता है जानू तुमने अपनी डीपी में अपने बूढ़े बाप का फोटो क्यों लगाया? तो तुम बाप नहीं हो क्या? अरे बाप तो है लेकिन बूढ़ा लगने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी कमजोरी देख ली उसने मेरी? तुम अपना रोना बंद करो, समझ गए? और तू तू क्या खीखी कर रही है? साफ साफ बता मुझे कि तू शादी कब करेगी? पहले हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, ना करियर बनाएंगे। कितने पांव हैं तुम्हारे करियर बनाने के लिए? है मनु सुन, करियर तो शादी के बाद ही बन सकता है। आपका बना? इसका कैसे बनता है, ये तो 10वीं फेल है ना। क्या कहा, नवी पास नहीं बोल सकते थे? एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? हमारे 4 बच्चे हैं, है कि नहीं है? हमने कभी आपसे पूछा कि 5वां क्यों नहीं हुआ? ये सब बातें यहाँ करेंगे, पागल हो गई पागल हो गई हम। अरे मनु, मनु रुक रुक रुक, क्यों नहीं करेंगे तू शादी?
इसीलिए नहीं करनी। आप लोग ने तो कोई प्लानिंग की नहीं, चार चार बच्चे कर लिए। अगर चौथा नहीं होता ना तो राखी किसको बांधती? बस ये राखी बंधवाने के चक्कर में देश की जनसंख्या 150 करोड़ होने वाली है। हम पहले जॉब करेंगे फिर शादी, हो गया? ए सुन सुन सुन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक है। पहले तुमने कही कि मैं बीए करूंगी मम्मी फिर शादी करूंगी, फिर कहा कि मैं एमए करूंगी फिर शादी करूंगी, अब कह रहे हमें नौकरी करनी है। हाँ करनी है, हमें हमारे पति पर डिपेंडेंट नहीं होना। करनी है, चलो ठीक है, लिया एक महीने का समय, नौकरी लाके दिखा। अरे आजकल एक महीने के अंदर का नौकरी से निकल नहीं पाता, मिलेगी कहाँ से? हो तू जान, एक महीने के अंदर नौकरी लगी तो ठीक है, वरना नीलू तैयार है। अरे हमने ठीक कहा ना मनु के पापा? अब तुमने कहा है तो सोच समझ के तो कहा नहीं होगा, पागल है थोड़े के दोनों। हाँ जी, आपकी वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट, नहीं सर मैं तो फेल हो गई। हाँ सर, वो जॉब इंटरव्यू के लिए फोन कर रही थी, कल आ सकती हूँ? हाँ 11 बजे, हाँ सर डन। क्या है ये? सर रेज्यूमे। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में एमबीए का ऐड दिया था और आप तो एमए हो, बीच का बी पढ़ना भूल गए? सॉरी सर। इस जॉब के लिए हमें कम से कम 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन आप तो कंप्लीट फ्रेशर है, आई एम सॉरी। आप लोग सब जा सकते हो, ये नौकरी किसी और को दे दी गई है। देखिए आप डबल एमए हैं, इसलिए आपकी सैलरी 10 की बजाय 12,000। हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे सर, छोटी बहन की शादी हो जाएगी, माँ की आँख का ऑपरेशन हो जाएगा, और सर जो पैसे बच जाएंगे वो हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप कुछ आइडिया देंगे? 12,000। वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की को जॉब करने की क्या जरूरत है? असली तो मैं ऐसी दिखती हूँ सर, अब जॉब मिल सकती है। मनु, बियर कंपनी की है, लीवर तो हमारा है, कितना पी रही हो? क्यों ना पिए हम, डबल एमए करके भी कोई फायदा नहीं है, ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती हमें। एक जॉब के लिए 500-500 एप्लीकेशन आते हैं, टैलेंटेड लोगों की कदर ही नहीं इस देश में। सही बात है। तभी तभी सुंदर पिचाई को देश के बाहर नौकरी करनी पड़ी। सुंदर पिचाई? जे कौन है? तुम सुंदर पिचाई को नहीं जानते? सुंदर तो हम दुनिया में बस एक को ही जानते हैं, मनोकामना त्रिपाठी। गूगल का सीईओ है। गूगल वाला? गूगल वाला। वो सुंदर, तुमने गूगल पे नौकरी क्यों नहीं सर्च कर ली? यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा था? गूगल पे नौकरी किसको मिलती है तेरी? नौकरी तो है, सच्चा प्यार थोड़ी है जो नहीं मिलेगा। बात नहीं समझ रहे देवी। संभाल के मनु। इसमें कितना पॉपुलेशन है यार देवी। यहाँ जीने का कोई फायदा ही नहीं है। बस देवी बस। लड़की, लड़की। नो। बैठ। इसको ना लगा रहा हूँ। कुछ मत करना। लड़की, जान मत देना। और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खिड़की में मुंह डाल के दांत में दबा के जो बियर लाए थे हम, वीट बियर है, नो फैट नो किलेरी, 530 रुपए की आती है। पैसे दो। बोतल खाली भी तो हो सकती है। तो आपको नहीं, खाली बोतल के तो फायदे और भी होते हैं ना, और भी महंगी हो सकती है। पानी की बोतल बना लो, सुबह हल्के होने के लिए ले लो, दिवाली में रॉकेट डाल के उड़ा दो या मनी प्लांट लगा दो। और अगर कोई पैसे ना दे तो वही खाली बोतल खोपड़ी पे टन से मारो। आप समझ रहे हैं बेटा? कोई इस तरह से समझाएगा तो कोई क्यों ना समझेगा। वैसे एक कमाल की बात है, तुमने ये यूजर चीजें बहुत सही तरीके से बेच लेती हो, वेरी नाइस। सुना? हाँ? क्या फायदा अंकल जी, जॉब तो मिल नहीं रही हमें, बाय रोड में चकरा डाल के खा रहे हैं अब। जी देखिए, क्या बात कर रही हो, सो सैड, ये तो बड़ा दुखद है ये तो। पर हमें सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, अब पैसे दे दो। लो लो लो, हाँ पैसे। हाँ
10 रुपए एक्स्ट्रा ही। ठीक है, लेट्स गो। यस। हो गया तेरा एक महीना, अब तुझे नीलू से शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगी नीलू से शादी। क्या? नहीं करूंगी नीलू से शादी, बोला ना। अरे नीलू से शादी क्यों नहीं करेगी तू? अच्छा खासा लड़का है, ठीक ठाक कमाता है, शादी नहीं करेगी? हाँ दीदी, मुझे भी बहुत अच्छे लगे नीलू जीजू। जीजू? ये नीलू, टिकू, रमेश, सुरेश, राजू जीजू कैटेगरी में नहीं, जीजा जी कैटेगरी में आते हैं। जीजू होते हैं ऋतिक, राहुल, राज, ऐसे। और मैंने तो सुना उसके पैर की दो उंगलियां भी कम है। तुम्हें भाग के शादी करनी है? Nobody is perfect. अरे मेरी माँ, तुझे नीलू से शादी नहीं करनी है तो मत कर। और भी बहुत सारे लड़के हैं हमारी चन्नेरी में, उनमें से कर ले। दीदी कब से फोन आ रहा आपका, नींद खराब करके रख दी। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आती हूँ अभी। ज्योति किधर ऑन कर, ना के निकल ले। अरे कहाँ जा रही है? अपने पैरों पे खड़े हुए। बैच नंबर डाल दो। अरे कहाँ था, लोडिंग आ रही है, कहाँ जा रहे हो? स्टॉप। अरे जा नहीं रहा है सर, आ रहा है वापस। वापस आ रहा है? हाँ। चौक सर, पड़े पड़े कंडोम एक्सपायर हो गए हैं, हैं बिका रहे हैं। जी देखो कैसे 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 जी है ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। हाँ। पड़े पड़े सिंगाड़ा हो गया सर। क्या करें मतलब, फैक्ट्री बंद करते हैं? नहीं 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 नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है सर। हालत देखो सर फैक्ट्री की, हाँ थोड़े दिनों में ना अपने आप ही। अपने आप मतलब? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं नहीं, क्या क्या मतलब है? मतलब बिल्डिंग ग्रासू हमारी, मतलब बिल्डिंग गिर जाएगी हमारे ऊपर। मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसे ग्रासू है। गुड मॉर्निंग सर। मनोकामना जी। अरे तू आ गई जी। 40,000 रुपए महीना, हम जॉब के लिए रेडी है सर, घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। छतरी बनाने के इतने पैसे? छतरी बुगैगी? छतरी नहीं, जैसे तुम समझ रही हो ना वो नहीं। छतरी नहीं है? छतरी है, क्यों नहीं है? लेकिन क्या है तो, लेकिन लेकिन छोड़िए सर, आप बस 15,000 रुपए एडवांस दे दीजिए। मतलब मैं समझा नहीं, ऐसे क्यों? सर हमारे देश में कुछ लोगों को ना हर बात का सबूत चाहिए होता है, और हमारे घर वालों को तो और भी ज्यादा। अरे सर कुछ और समझ रही है, पहले जॉब प्रोफाइल तो समझा दो। ओके ओके, मैं यूं कह रहा था कि पहले तुम ये तो समझ ली तुम्हें काम काज करना क्या है। आप छोड़िए, जॉब डन, बस एडवांस दे दीजिए। ठीक है ठीक है, मतलब अरे ये हैं तुम्हारी। अब डन, परसों से आ रही हूँ सर। कल क्यों? कल कभी आता है सर। देखा, थैंक यू। स्माइल। गुड गुड गुड। तो देवी बेटा तुम मन्नू से शादी करना चाहते हो? अंकल जी इसीलिए तो हिम्मत करके आए आपके पास, और जे पीपीटी भी बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी है भैया, बहुत अच्छी है। समझ नहीं आई बेटा। तो हम समझाते हैं ना आंटी जी, पीपीटी मतलब होता है पुरुषम प्रथम प्रेमम तथास्तम। तो प्रभु हिंदी में सब टाइटल लिख देते, जनमानस को समझने में आसानी हो जाती। आगे हिंदी में ही है तो समझाओ फिर। जी देखिए, हमने शादी से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी प्लानिंग कर रखी है। आपकी मन्नू को हमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? पूछना भी नहीं, हम खुद बताएंगे। और जे भी लिख के लाए हैं। हाँ ये देखो, पहला मोबाइल के सारे पासवर्ड मन्नू से पूछ के रखेंगे। दूसरा घुसना नहीं है, हम बता रहे हैं ना। बताओ बताओ। सुहाग रात में केसर वाले दूध भी मन्नू ही पिएगी, और अगर वो दूध पी के सो भी जाए तो हम बुरा नहीं मानेंगे। अरे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आगे 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 माँ बनने का ऑप्शन नहीं है ना मर्दों के पास, वरना माँ भी हम ही बनते। और मन्नू का फिगर खराब नहीं होने देते। हमारी मन्नू हमेशा कहती है कि लड़का जान पहचान का होना चाहिए, और तुम तो बेटा मन्नू को बचपन से जानते हो, है ना? मन्नू को क्या, हम तो मन्नू की मम्मी को भी जानते हैं। बताओ बताओ बताओ। आपके उल्टे पांव में रॉड डली है ना? सच्ची मम्मी? अच्छा तभी ये कभी कभी तिरछी चलती है। हाँ भाई यही रॉड निकाल के तुम्हें पटक देंगे, समझ लेना, ज्यादा जानकारी की जरूरत ना है।
अच्छा ये बताओ, नई दुकान खोली है ना तुमने? हाँ। चलती वलती भी है कि नहीं? हाँ बेटा चलती है। जी क्या पूछ रही है? अरे हमें तो मालूम है नहीं चलती है, तुम मुझे बताओ ना यार। बहुत चलती है। अरे वाह भैया वाह, अब तो बस हमारी मन्नू शादी के लिए हाँ बोल दे बस। मम्मी जी जी आप संभाल लो। संभाल लिया बेटा। मम्मी मम्मी हमारी मन्नू आ गई। मम्मी ना करो जल्दी से। ये लो ये लो देवी देवी मिठाई किसकी है? क्या हुआ? ले क्या ले तू खा जा रहा जा। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए बहुत सारा। जीते रहो बेटा जीते रहो। देवी। हाँ मन्नू। तुम हमारे मम्मी पापा के पैर क्यों छू रहे हो? जिसके लिए तुम मिठाई खिला रही हो आज दिन जो खुशी का है। अरे हाँ क्यों? हमारी जॉब लग गई। अच्छा ये मिठाई जॉब की थी? हाँ। तो तुम्हें शादी का कोई आइडिया नहीं? शादी हम चलते हैं, किसी का बहुत बड़े वाला फटा है, सिलने जा रहे हैं। आना मियां देवी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटा। फिर से मम्मी किसके साथ? कौन देवी? देवी हमको कोई आइडिया नहीं है, है? हम तो ये पता करने आए थे कि लाइट आ रही है कि नहीं। मंजू मंजू आंटी लाइट आ रही है? हमारी तो सुबह से आ रही है। हमारी अभी अभी गई है। क्या ये? अरे ये कंपनी का है। अरे बड़ा पागल सा लड़का है, पहले कुछ कह रहा था अभी कुछ कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको छोड़ो छोड़ो। हमारी जॉब लग गई। कहाँ मिली? एक छाते बनाने वाली कंपनी में। 40,000 रुपए महीना। भैया जी 40,000 रुपए महीना? हे भगवान, मैंने कहा था ना हमारी बेटी डबल एमए है, कोई ना कोई जॉब तो ढूंढ ही लेगी। पर नहीं, तुम ही को शादी की जल्दी पड़ी थी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम आ गई। अब बताइए क्या काम करना है? बिल्कुल ये करना है। अरे ये सब तुम ही को नहीं करना, हम तुम दोनों को मिलकर करना है, समझे? ये क्या है? कंडो में तुम्हें नहीं पता? साले नाम आदरणीय और काम आदरणीय, साले पुठे। कैसी बातें कर रही तू? यमराज के अगले ग्राहक, थर की अश्लील। तुम गलत समझ रही हो। ये मेरी उम्र में सदियों का फासला है। पता है ऐसी गंदी सोच दिमाग में आई कैसे? गलत गलत गलत। अभी दिखाती हूँ सबके सामने, एक्सपोज करती हूँ तुझे। क्या कॉन्डम दिखाता है मुझे साला बुट्ठा? अरे तुम तो एक काम करो, अपने गुजराती भाइयों के लिए खाकरा और फाफड़ा फ्लेवर, और यूपी वालों के लिए गुटका। सर हम इलायची मोगरा पुदीना फ्लेवर्स भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं। सर इस बार क्वालिटी में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फटे ना और डॉट्स ज्यादा से ज्यादा हों। ये कॉन्डे बनाने वाली कंपनी है? वही तो हम समझाना चाह रहे थे। जी देखो ये सब हमारे यहाँ बनते, तुम जो है गलत समझ रही। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे बेटा हम तो कब से बता रहे थे, सालों हो गए हमें तो, कुछ सुनते ही नहीं कोई हमारी। सर हम ये जॉब नहीं कर सकते। क्यों? आपका एडवांस। सर दूसरी जॉब लगती है आपका एडवांस वापस कर देंगे हम। और सर एक और बात, जो बेचते हो ना वही छापा करो, ये हर जगह छोटी छतरी लगा रखा है आपने। बेटा वही है, हमें कंपनी को नाम है लिटिल अम्ब्रेला, और हम चाहते हैं जय रोशन हो। पर क्या आजकल बड़ी गर्स में चल रही है, बहुत लॉस में। हम चाहते तुम्हारे जैसे कोई लड़की आए, होनहार और बड़ा पाल लगा दे। हमने कॉन्डम बेचने का कोई डिप्लोमा कर रखा है? इसी बात है सर जा। नहीं ऐसी बात नहीं है, सुनो सही। अरे मनोकामना मनोकामना, ये लो ये तुम्हारी कुर्सी, इस पे बैठो प्लीज। टेक योर सीट, बैठो बैठो। और कल से तो आप फील्ड वर्क चालू। क्या करेंगे इन सैंपल का मैडम, आज तक तो एक डिब्बा भी नहीं बिका। कुछ चाहिए आपको?
वो हमारी कंपनी के नए फ्लेवर आए हैं, उनके सैंपल देने थे। अरे मैडम, आपके इस कॉन्डम का ना मैंने कभी नाम सुना है ना कभी एड देखा है, कैसे बिकेगा? देखो बहन, तुम लड़कियों का कॉन्डम बेच रही हो, देखो अच्छा नहीं लगता। देखो अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। मैडम जी, लेटर लमराल हम तो क्या कोई भी नहीं खरीदेगा, अब जो क्या है जो पैकेट पर बस एक छाता छपा हुआ, अब इसी जगह कोई हॉट मॉडल। कोई हॉट मॉडल टू पीस में किसी लड़के से चिपकी खड़ी हो तो खरीदने वाले को मजा भी आएगा ना। ओ मैडम मैडम सुनो तो, मैडम मैडम क्या चाहिए मैडम? ये नहीं चाहिए। अरे चाचा, शमशान घाट जा तरफ है। अरे बकवास अपनी बंद कर, इधर आ। पिछली बार हमने तुझसे 10 का पैक मांगा था और तू 3 थमा दिए मुझे। चाचा जैसी तुम्हारी हालत है ना, मुझे तो 3 भी ज्यादा ही लग रहे थे। चाचा मुंह मत चलाओ, 10 का पैक लाके दो, बार बार नहीं आ सकते, हर तीसरी मंजिल पे है, बार बार उतरनो चढ़नो भारी पड़ जाए। चाचा ऊपर वाले को शुक्र मनाओ, तुम आओ घर अगर 20वीं मंजिल पे हो तो ना, तो यमराज वहीं से खींच ले तो। अरे बकवास अपनी बंद कर, कोई अच्छा सा फ्लेवर का पैक लेके आ। ला रहे चाचा, ला रहे, काय बड़बड़ा रहे यार चाचा, दिमाग खराब बेटा खा रहे हो। अरे जल्दी ला कर दे, अगर देर लगेगी तो मेरी मैडम समझेगी कि मैं पलटो सिधार गया। चाचा ये लो। तुम तीसरी मंजिल जा सकोगी? ओ चाचा, हमारी कंपनी का कॉन्डम है, प्रचार कर रहे हैं इसका। 75 साल 3 रात हो गई, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी लड़की ने इसका प्रचार किया हो। कॉन्डम बेचने के लिए अपना जेंडर तो नहीं बदल देंगे ना? आप ये बताइए, यहाँ से ये पैकेट लेते कितने का हुआ? 100 रुपए में 10 का पैक। 100 रुपए में 10? ये लो चाचा, 100 रुपए में हमारी कंपनी से 20। वाह, लोगे? अरे वाह, अच्छा फ्लेवर है। देखा चल रहा है। अरे एक मिनट, ये लो चाचा, इससे पहले के नोट के खुले हो जाए दे दो। जब से मेरे इससे ज्यादा आज एक्साइटमेंट होगा। एक्साइटमेंट होता है चाचा? अरे जो भी होगा मगर मजा आ जाएगा। मैडम जी क्या करो आपने? ये रखो, अब हम बताएंगे करना क्या है। कॉन्डोम पे सेल? हाँ सर, वो भी 50%। 50% सेल लगाएंगे कॉन्डोम पे, बिकेंगे? धड़ाधड़ बिकेंगे। क्या? I don't believe. अरे सर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों को जरूरत ना भी हो और सेल लगाना तो भी खरीद लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी। सर अब मेरी बात मानो, जो पुराना माल पड़ा है ना गोडाउन में, उसको निकालो 50% सेल पे, नया माल क्यों डाल रहे हो मार्केट में? ऊपर जाके चांद पे जमीन तो ना खरीद रहे हो? चाचा जब मखाना चखने में कौन खाएगा? चाचा चलो भैया, चाचा चलो चलो लेट हो रहा हूँ, उठाओ 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 उठाओ। अरे हम आगे रहेंगे, आगे रहना, हम आगे रहेंगे। अरे तो क्या दोनों तरफ रहोगे? उठाने दो, चलो उठाओ, जे तरफ रहेंगे, चलो उठाओ भाई, आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ इधर। राम नाम, राम नाम, सवेरे 7 बजे के बाद हमको बोले मखाना लाओ चखने के लिए। हेलो देवी, मुन्नू, हेलो हेलो देवी, हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो कौन है? हेलो, डेड हो गया क्या? तो सुबह ही हो गए थे। अरे जी नहीं, मोबाइल
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हमारी एक हेल्प कर सकते हो? ये बात कह के तुमने हमारी हेल्प कर दी। अरे दीदी, हमें ना बहुत सारे मर्द चाहिए। ये क्या फालतू बात बोल रही हो? पूरी बात सुन लो पहले। बहुत सारे मर्द मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे मर्द एक साथ मिल सके। सुनो मनु, 80 नब्बे चलेंगे? हाँ चलेंगे। तुम मुझे राजा रानी महल के पीछे मिलो। राजा रानी महल के पीछे हम पहुंच रहे हैं। हाँ, जाना कहाँ है? चाचा चलेंगे। सुनो रास्ते में लोगे तो करो, जितना करो तक करो। चाचा चलेंगे। सुनो भैया, ये रास्ते चलेंगे, सबको बुला लो। चलो भैया, तुम्हें वहाँ लेके चले जहाँ जाने को लोग बढ़ते हैं। ए, 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 आ जाओ भैया, सोचते आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ भैया। मनु, किसकी अर्थी उठा ले? अरे हमारे चाचा जी हैं, जीते जी कभी काम आए नहीं, मरने के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ क्यों लेके आए हो? अरे मर्द, मर्द, ये मर्द? हाँ मर्द है, मतलब ऐसा हमने पर्सनली चेक नहीं किया है, पर ओवरऑल मर्द है। देवी तुमसे ना कुछ नहीं हो सकता है, तुम देवी की देवी रह जाओगे। ये मर्द लेके आए हो तुम? तो कैसा मर चाहिए तुमको? मतलब फॉरेनर चाहिए तो बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक, इसको वापस ले जाओ, मैं जा रही हूं। अरे सुनो मनु, मनु कैसा मर चाहिए तुमको? चाचा जी को उस रास्ते लेके जाओ। क्यों भाई? ये आदमी शुरू से गलत रास्ते पे चला है। मनु चलो रात को मिलते हैं। जरा हटिंग सर। दीदी, दीदी नमस्ते, कैसी हैं? कौन दीदी रे? नहीं पहचाना? अभी परसों ही तो मिले थे आपके भाई की शादी पे। हाँ, आप अपने दही वड़े जैसे बच्चों को गोलगप्पे खिला रही थी। जीजा जी कैसे हैं भाई? कौन से जीजा जी रे? और कहा दीदी दीदी लगा रखो है? गलत, बिल्कुल गलत बात। हम समझ सकते हैं कि शादी के बाद थोड़े हार्मोन बदल जाते हैं, पर आप जीजा जी को नहीं भूल सकती। हमारी भी चाची थी, उनकी भी दाढ़ी मूंछ आती थी। हाँ? पर वो मान लेती थी, वो लेडीज है, मान लेती थी। जहाँ आप मान के नहीं दे रही। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? कहाँ नहीं दिखाई देते, हम लड़की नहीं लड़का है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम ना मान रहे। तुम मान रहे हो भैया? नहीं मान रहे भैया। तुम मान रहे हो? कोई ना मान रहे हो यहाँ। दीदी अब ऐसा लेडीज सीट पे बैठ के आप खुद को जेंट्स बोलेंगी, कौन मानेगा? कुछ गड़बड़ जरूर है, आप चेकअप कराओ। चल चल भाई, बढ़ती लो बढ़ती लो, लात दो साइड। आप बैठिए ना। बैठो ना। अरे हमें काम पे जाना है। हम तुम्हारे काम की जगह ले चल रहे हैं। अरे कहाँ जाना है? हम पेट्रोल से है। तो भैया बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला, कोई मेहरबान देखो, एक दूसरे का जबरदस्त हाथ जोड़ो। सब के सब मर, सब जिंदा भी हैं। इनके इस दाव से खुश होकर चंपकलाल जी की ओर से 2100 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है और किशनलाल जी की ओर से भी 1100 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है और साथ में शर्ट पैंट का कंडा भी मिला है। लिटिल अम्ब्रेला कंपनी की तरफ से यह 10 कंडम का फैमिली पैक, तालियां। अब किन्ने लिखाइए? हमने हमने हम आ रहे
को जगह बेहुदापन है। आप माइक दीजिए ना, हम बताते हैं। सिर्फ कुश्ती जीतने से कोई असली मर्द नहीं बन जाता। असली मर्द तब बनते हैं जब पहनते हैं लिटिल अम्ब्रेला। हर मर्द की ताकत, हर मर्द की हिम्मत और हर मर्द का आत्मविश्वास लिटिल अम्ब्रेला कॉन्डिंग। अरे यार देखो बकवास कर रही है। और एक और बात, पहली बार आपके शहर में कॉन्डिम पर सेल। ओ भाई, ये लड़की आपके साथ है क्या? जी मिलेगी दोबारा नहीं, हमारा तो 5 का सिक्का खो गया है, तो हम वही ढूंढ रहे थे। मनु चलो गाड़ी स्टार्ट। अरे मनु, ये कब हुआ? क्या तुम कंडोम बेचती हो? तुम्हें भी प्रॉब्लम है? मजाक उड़ाओगे तुम भी हमारा? नहीं कर लो, तुम भी हंस लो। मनु अरे नहीं नहीं मनु, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। पर अच्छा तो कुछ नहीं हुआ ना, सब हंस रहे थे। अरे लोग अभी हंस रहे हैं, देखना बाद में सीरियस होंगे। मनु मुबारक हो, हमारी दुकान बिक रही है। तो अब तुम क्या करोगे? हमने तो वहां भी ज्वाइन कर लिया। कब? अभी अभी। तुम कॉन्डम बेचोगे सच में? मनु तुम लड़कियों के इतना अच्छा काम कर रही हो, हम लड़का होके तुम्हारा साथ तो दे ही सकते हैं। सेल सेल सेल, पहली बार आपके शहर में कॉन्डम पर सेल। लिटिल अम्ब्रेला कंपनी की तरफ से कॉन्डम पर 50% ऑफ। जैसे ही क्रिकेट में एल्गा जरूरी है, वैसे ही लिटिल अम्ब्रेला कॉन्डम जरूरी है। हर मर्द की ताकत, हर मर्द की हिम्मत, हर मर्द का आत्मविश्वास लिटिल अम्ब्रेला। सबसे बड़ा रेड लाइट है, सो समय समय पर आकर अच्छे कॉज के लिए हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये लीजिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? मालूम इमरान अच्छा बजट बोल रहे हैं। 5,000 रुपए हो जाना, 2,500 रुपए अपने। ओ असली आदमी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो पहले रामलीला, उसके बाद माता का जगराता। बहुत बढ़िया। मेरे बेटे का जन्मदिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। उसकी ना कुछ खास दोस्त आ रही है, वो सब यहाँ से खुश होकर जानी चाहिए। अरे तो आप चिंता ही मत करो, ऐसे ही थोड़ी ना घर वालों ने हमारा नाम मनोरंजन रखा है। कितने लोगों का ग्रुप है तुम लोगों का? हम 3, फिर अपने वो 2, 5 जो करेंगे हम ही करेंगे, आप 5 का पकड़ लो। टाइम कितना लगेगा? टाइम का क्या है, कम से कम सुबह तक। जवान लड़के आपके सामने खड़े, मतलब 3-3, 4-4 घंटों तक तो लड़के सांस नहीं लेते हमारे, लगे रहते हैं लगातार, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना बेशर्म लड़का ये। मतलब जब तक आप आगे से आके खुद हाथ जोड़ के नहीं बोलोगे भाई बस करो, थक गए, बहुत हो गया, अब खत्म करो, तब तक एक लड़का नहीं रुकेगा, गारंटी हमारी। ठीक है ठीक है, चलो अब पैसा बताओ। 11,000। और हमारे लाने चाय नाश्ता। अब लड़के रात भर मेहनत करेंगे तो चाय नाश्ता तो लगेगा। एडवांस दे रही हूँ, बाद में कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए मुझको। चिल्लम चिल्ली किस बात की, हमारा तो धंधा ही परफॉर्मेंस के साथ साथ जबान पे चलता है। आप कुछ भी चिंता मत करो, आप बस स्टेज रेडी रखो, मौज कराने हम आई जाएंगे। गारंटी है। बैठ को स्टेज बोल रहा है। चले फिर। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। चलो नमस्ते जी। हेलो। अरे यार तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है, मन्नू के बिना स्टार्ट नहीं होगा समझे? रखो फोन, पागल आदमी है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? 2 घर छोड़ के ही तो रहते हैं। ये बात भी है। कृष्ण की एंट्री हो गई। अरे तुम्हारे बिना कहाँ किसी की एंट्री होती है। ले चलो अंकल जी को। आंटी जी आइए। रिंकू बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए आंटी जी। भैया भैया उठ जाओ। अबे हमारा कुर्सी है, सरपंच के चुनाव में जीते हो। हाँ। नहीं तो फिर उठो। बच बच पागल है, बैठो ना। शुरू करें। हाँ।
चाचा बैठ बैठ जा चाचा। बोला सियापति रामचंद्र की। जब जब धर्म की हानि हो। ये देवी, ये महाभारत में राम कहाँ से आ गए? वो तो खुद 14 साल वनवास गए थे। तुमको जाना वनवास? नहीं तो फिर बैठो चलो। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए। ज्योति, कृष्णा वही लड़का है जिसके बारे में हम तुझे बता रहे थे, रेडिया डेरिया वाला। बताओ किसी लड़के को कृष्ण बना दिया, कृष्ण बन के द्रौपदी को साड़ी दे रहा है और वहाँ रेडिया डेरिया में औरतों से दिहाड़ी ले रहा था। कितना घटिया लड़का है। बंद करो ये चिल्लान, बंद ठीक करते हैं। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। नहीं नहीं ये भाई साहब, अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे चाहे इंसान ने घनघोर पाप करो है, ऐसे आप पवित्र इंसान की हाथों हम ऐसा पवित्र काम नहीं होने देंगे। जे मोर मुकुट हटाओ। मैं देवी आराम से कंस के लायक जी नारायण, हमारा नहीं द्रौपदी का होना है, क्या कर रहे हैं यार? अरे हम ये तो बताइए हमने किया क्या है? किया क्या है? यहाँ देवता बने घूम रहे हो और वहाँ रेड लाइट एरिया में तुम्हारी रंगरलियाँ चल रही है। तुम्हारी तो रुको, अगर हमारी गलती साबित हुई तो कच्चा भी उतार लेना। पहले ये बताओ ये बात आप लोगों से कही किन्ने कही? अरे हमसे तो यादव जी ने कही। अरे हमसे तो पंडित जी ने बोला। क्यों पंडित जी? हमसे तो गुप्ता जी ने कही थी। हमसे चौरसिया जी ने बोला। चौरसिया आपको किन्ने कही? हमको तो बकदुम भैया ने बोला। हमने बोला? हाँ हमने बोला, हमने मनु से सुना। ये मनु कौन है? जे हरे सूट में। अच्छा तो तुम हो मनु। तुम्हें कैसे पता हम रेड लाइट एरिया गए थे? तुम थी वहां? हम वहां आए जगराती की डील करने गए थे। अरे कमाल हो गया, लाइट कैसे चली गई भैया? मुझे तो लग रहा है ट्रांसफार्मर फूक गयो। मोहल्ले की बत्ती गई है, हमारी बत्ती गई है। आराम से उतर। अरे वहां का जल्लो, लाइट कहाँ चली गई? ये मोहल्ले की बत्ती तो आ रही, ये हमारे घर की कहाँ चली गई? पता करो तुम थोड़ा। गई नहीं है, हमने काटी है। क्यों? क्यों? 9,000 रुपया का बिल आया है। यूं दिन भर टीवी चलता है घर में, वहां रोड से पानी गर्म है रहा है, जहां फ्रिज में ठंडो है रहा है। नॉर्मल पानी से काम नहीं चलता तुम्हारा। 100% चार्ज होने के बाद भी 5-5 घंटा मोबाइल प्लग में लगा रहता है। पंखे और बच्चे, ये दो ही चीज घूमती रहे घर में दिन भर। ऐसो ही बिल आता रहो, सबके मीटर अलग अलग लगवा दो, अपना अपना बिल भरना। तो ये समझाने के लिए तूने बत्ती ही बंद कर दी? पिताजी किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। जा मुझे बत्ती ऑन कर दे। उस तरफ है। जा रहे थे। और जे कलाकार कुमार कहाँ है? कौन ताऊ जी? हमारी आखिरी गलती। ओ अच्छा अच्छा। कभी राम, कभी लक्ष्मण, कभी रावण, बनते सब हैं, बन नहीं पाए कभी कुछ। अरे भाई छोटी उम्र तुम्हारी, तुम्हें याद कर रहे थे ताऊ जी। आइए आइए टीटी साहब, घर के खर्चा में हाथ बटाओगे कि नौटंकी करते रहोगे? कहां से आएगा 2,500 रुपए? निकालो। 2,500? बाकी हम भर देंगे। अरे पापा हेमंत की पिछले हफ्ते से कोई सेल ही नहीं हुई है। हाँ, और तो और इनके सिक्योरिटी गार्ड भाग गए, इससे क्यों नहीं कुछ मांगते? मनोरंजन जी हैं क्या? मनोरंजन है जी? नहीं है। हाँ वही मनोरंजन जी, उनको रामलीला के लिए बुक करने आए थे। अंकल जी देखिए ऐसे मत कीजिए आप, हम तो एडवांस तक लेकर आए। जय बजरंगबली। क्या बात है। नहीं हम ये नहीं कर सकते। क्यों?
पापा को हमारा भगवान बनना पसंद नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं। अरे कर लेगा, फ्री है। और तुम तो इतने फ्री हो कि कहीं शैम्पू के साथ फ्री ना आने लगो तुम। ले लो बेटा, कर लो। ले लो भाई, ले लो। सब कह रहे हैं तो 11 तारीख रविवार याद रखना भैया। नमस्ते अंकल जी। चल बे, चल चल। 10,000 रुपए आज चुमके लाल जी की शोक सभा के अवसर पर मैं श्री केवल जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अरे अनिरोध नहीं, अनुरोध। अनिरोध तो कुछ और हो जाएगा। कृपा करके इस माइक पर आए, हमें दो शब्द कहकर अनुग्रहित करें। आइए पधारिए। बखत भी देखो कैसे कैसे दिन दिखा रहा हो। कल तक वो चौंके थे, आज उनके नहीं रहने से हम चौंके हैं। जा बार प्रधानी चुनाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं चौकेलाल जी की जगह। जे चौकेलाल जी की आखिरी इच्छा थी। आप सबसे निवेदन है, हमें अपना मत देना। क्या मत देना? मत मत देना। अरे नहीं देंगे भाई। क्षमा चाह रहे हैं, अपना वोट हमें ही देना, आपसे निवेदन है। तो अंग्रेजी में बोलो ना। स्वर्गीय चौकेलाल जी की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे हम। खड़े हो जाओ। रामलीला में चले गए होंगे शायद। तुम कहीं नहीं गए, तुम वहीं चले जाते। हम तीनों तो टेंट और कुर्सी वाले, मजा की टांगे नहीं है। बनना ये तो कब से कह रहा हूँ, चलो। तुम्हारे कंट्रोल में कीड़े हैं, नहीं तो हमें काय बुलायो। नीचे आओ, तुम घर चलो। जे 7,500 रुपया हमारे और जे 2,500 रुपया तुम्हारे। 2,500? अरे 5,000 की बात तय भाई थी। बात तो कृष्ण लीला की पूरी करने की भाई थी, हुई क्या नहीं बताओ। तो करने तो हम पूरी आए थे ना। अरे यार, अबे नई नई गर्लफ्रेंड बनी हमारी, 2600 को तो मोबाइल रिचार्ज हो पाको। तुम तो यार महाभारत के साथ साथ प्यार में अंधे हो गए हो। अभी जे है, जे में संतोष कर। बड़े भाई, तुम्हारी महाभारत पूरी नहीं हुई तो दाढ़ी तो पूरी बनवाई होगा तो पैसा दे हो। मेकअप तो पूरा हुआ था ना, और सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अरे खूबसूरत लग रहा था, नहीं लग रहा था क्या फर्क पड़ता है यार। जितने पैसे की बात हुई उतना लेके जाएंगे, और जो भी कुछ हमारे कारण नहीं, उस लड़की की वजह से हुआ। वो लड़की कोई हमारी बुआ की लड़की नहीं थी। हां तो हमारी भी चाचा की लड़की नहीं थी। तुम्हारा लफड़ा था, तुम जानो। लो वो आ गए तुम्हारा लफड़ा। अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ बर्बाद कर दो हमें, हमारा नामो निशान मिटा दो इस दुनिया से। देवी तो तुमको सॉरी कहने आए थे। सॉरी बोलने आए थे? अच्छा फिर बोलो सॉरी। सॉरी नहीं करते माफ, बेमतलब सबके सामने निर्वस्त करवा दिया यार तुमने। अरे तो सॉरी बोल रहे ना अभी। एक काम करो, तुम 10-20 सॉरी हमारे पास छोड़ जाओ, हम लोग आपस में बांट लिया करेंगे टाइम टू टाइम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हम मान रहे ना हमारी गलती है, सॉरी तो बोला हमने। चलो तुम्हें ये तो पता चला कि गलती तुम्हारी है। एक बात बताओ, हम तो वहां हमारे जगराते की बुकिंग करने गए थे, तुम क्या करने गई थी रेड लाइट एरिया में? हम लिटिल अम्ब्रेला कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो कॉन्डम बनाने वाली कंपनी, वहां कॉन्डम का प्रचार करने गए थे। तुम कॉन्डम बेचती हो? हाँ, शौक तो ऐसा जैसे तुम्हारी किडनी बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पर हमने आज तक कभी सुना नहीं ना कोई लड़की कॉन्डम बेचती है, वो भी चंदेरी में। अब सुन लिया, अब बताओ होली खेलते हो? खेलते हो? अरे होली तो हम बचपन से ऐसी खेलते आ रहे हैं कि घर वालों को ना मोहल्ले के 10 बच्चों का मुंह धोके पता लगाना पड़ता था कि उनका कौन सा है। ठीक है, फिर इस बार होली हमारे यहाँ खेलने आ जाता। क्यों? क्योंकि सुना है होली पे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त हम इंतजार करेंगे।
बुरा ना मानो होली है। मान गया बुरा, मान गया बुरा, मान गया। कराएं तुम्हारी होली, कराएं तुम्हारी होली, आओ तुम्हारी, आओ तुम्हारी होली कराते, आओ तुम्हारी होली कराते, सीधे यहाँ से निकलो तुम, मथुरा में जाओ तुम। रंग चढ़ी पिया की मुझको कैसी इश्कदारी, जग रंग में सारा उड़ा गुलाल इश्क वाला जो नाचे ब्रिज में राधा, रंग चढ़ा है देखो गाढ़ा जो नाचे ब्रिज में राधा, उड़ा गुलाल इश्क वाला जो नाचे ब्रिज में राधा, हो रंग चढ़ा है देखो गाढ़ा जो नाचे ब्रिज में राधा। गुलाबी आंखें तीखी तेरी चाल शराबी, जिद ये है ठानी कि तू होगी हमारी, हमारे गोलू की बनेगी तू भाभी, फागुन महीने में दिल हारा है हारा जग ये सारा, नाचे ब्रिज में राधा। पूरे मोहल्ले में डाक कटवा दी हमारी, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में। किसका पाप है ये, किसका पाप है ये? बता मुझे किसका पाप है, है? बता किसका पाप है ये? माँ इसका नाम पाप नहीं कॉन्डम है। तुम शराब पी के आए हो? इतना नशा किया जलजीरा पी के आएगा? कॉन्डम पड़ा है टेबल पे। अरे मनोज के पापा ये देखो ये क्या है, उठो देखो देखो क्या ये देखो देखो ये हो रहा है। अब देखते ही रहोगे कुछ बोलोगे भी? हमारा नहीं है, तुम तो जानती हो हम तो। अच्छा जब तुम्हें यूज करना था ना तब तो तुमने किया नहीं, तुम्हारा कहाँ से होगा। हाँ और तुम मम्मा वो बात है, तुम चुप करो, तुझे इनकी साइड लेने की जरूरत ना है बिल्कुल भी, कुछ सीखो, सीखो अपनी बड़ी बहन से, दिन रात मेहनत करती है बेचारी, घूम घूम के छतरियां बेचती है, वो भी कितनी ईमानदारी के साथ, कभी एक भी छतरी घर नहीं लेके आई और तुम लोग छतरी उड़ा रही हो। मम्मी सुन तो लो। क्या सुनो बेटा मनु, किसका है ये? बोलो किसका है? मम्मा को बता हमारा है। देख ले तू झूठ मत बोल, बिल्कुल झूठ मत बोल तू, समझ गए? झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा ही है। ये तेरे ये देखो अरे अपनी छोटी छोटी मासूम बहनों को देख, क्या असर पड़ेगा इनके ऊपर बताओ। लोगों के घर में छछूंदर सांप बिच्छू गोयरे निकल रहे हैं और हमारे घर में क्या निकल रहा है? कंडोम। हाँ क्योंकि हम एक कंडोम बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, लिटिल अम्ब्रेला। तुम तो हम
तुमसे कही थी कि जे तुम छतरी बनाने वाले की कंपनी में काम करती हो और ये सब वो छतरियां हैं। हाँ। मतलब हम जो तुमसे मांगते थे तो ये छतरी थी वो। हाँ। आए शीतला माता, इसकी कमाई का खा रहे हैं हम। मेरे शीतला भैया, माना कि हमने आप लोगों से छुपाया, लेकिन इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर गलत नहीं तो छुपाया क्यों? इन्होंने भी छुपाया था शादी के पहले। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा कच्चे बनियान बेचते थे। अंदर गारमेंट्स, लिंजरिंग, ये क्या फालतू में निचले स्तर की बातें कर? कच्चा बनियान क्या होता है? चुप। अरे कुछ तो सोचो, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो कुछ सोचती, सारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे? नेगेटिव गलत होता है, पॉजिटिव से ये जानते, लेकिन ये रिलेटिव्स क्या है ये आज तक समझ नहीं आया। ज्योति जब 10वीं में फेल हुई थी तो 10 रिलेटिव्स का कॉल आया था, बट 12वीं से फर्स्ट क्लास पास हुई थी तो किसी का फोन नहीं आया था। मतलब ही होते हैं रिलेटिव्स। और जिन लोगों ने आज तक मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया और कुछ नहीं जानते, उनका हक ही नहीं बनता कुछ बोलने का। और यही सोच बदलनी है मम्मी। ओ, तो चादर तक तो बदल नहीं सकती है, बड़ी चलिए सोच बदलने। एक बात हम बता देते, हम अब इस घर में कतई नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी मत आए, सुनो अभी मत जाओ, रात है, सुबह चले जाना। चुप करो, या तो हम इस घर में रहेंगे या तुम्हारी पीट। अरे नहीं, अब तो ऐसे नाराज हो रहे जैसे कॉन्डम का आविष्कार हम ही ने किया है। सिंपल सी जॉब है, सिंपल सा काम है, सैलरी मिलती है हमको, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा ठीक है, अगर आपको अब भी डाउट है तो कल चलिए हमारे साथ फैक्ट्री। आप पर आप नहीं आओगी, हम जानते हैं कि आपको हम पे भरोसा है, और आप भी जानते हो कि हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। इसी बात पे तो लार्ज हो जाए, पराठे गोल गोल। हाँ। मतलब बहुत दिन से खाए नहीं है ना। यार मखदूम, पहली बार होली पे मजा नहीं आया यार। अरे कैसे मजा आएगा, कैसे मजा आएगा? अरिजीत सिंह का करियर तुम जैसे आशिकों की वजह से आगे बढ़ा है। यहाँ तुम जैसे को दिल टूटा नहीं, वहां उसने 8 गाने निकाले नहीं। अरे भूल जा भाई, मनु को भूल जा। ऐसे कैसे भूल जा यार, ऐसे कैसे भूल जा? मखदूम आज बोल दिया, आज के बाद बोलना नहीं, मनु हमारे अंदर है। तुम्हें किसे पता मैं वीट बियर पसंद? अंदर से निकालो भाई, हमें तो यहाँ भी वो सुनाई दे रही है। सोचो हम कितना प्यार करते हैं उससे। अरे हम तो प्यार भी नहीं करते, लेकिन हमको क्यों सुनाई दे रही है? तुमको भी सुनाई दे रही है? बताओ ना। बस इंटेंशन मजबूत होना चाहिए, वो हमारा बचपन से रहा है। देवी, मियां देवी। हाँ। इतनी रात को अकेले बैठ के और कितने दोस्तों के साथ शराब पीती हैं? बियर को शराब वही लोग कहते हैं जो कटहल को नॉनवेज समझते हैं। बियर बियर होती है यार। ये तो भाई लड़का है। वो होली वाले दिन वो उदास सा लड़का कौन था? कौन? देवी? वो हमारा भाई था। ये देवी। अच्छा, लग भी रहा था। दुकान किसकी? दुकान किसकी? बोलो बोलो, किसके नाम मिया, किसके नाम? इतना जल्दी मान गए? दोस्त है हमारा। अरे दुकान सुनो, आसपास एक रूम का जुगाड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्यों? क्यों मतलब? हम तुम्हारे साथ इतनी रात को सिर्फ बियर पीने थोड़ी आए। इनने बियर में कुछ मिला दिया है तो समझो ना। मनु, हमें लगता है तुम्हें बियर थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई है, तो उसी का फायदा उठा लो। मनु करो ना मुझे सच। रूम नहीं अम्मी पर 2-3 hours? 2-3 hours कम है, ठीक है 4-5 घंटे कर लो, नो प्रॉब्लम। मखदूम कफन का साइज लिखो। अरे तुम्हारा तो 5 हाथ है ना। हम आ नहीं लौंडे का। फॉल इन लव नहीं, फॉल इन लव नहीं। मनु यार माफ करना, पर हम उस किस्म के लड़के हैं नहीं यार दोस्त।
उस टाइप का मतलब हम मनु तुम रंजन साथ में मनोरंजन साले रण भाई मरोगे तुम हट सुनो मनोरंजन हमारे यहाँ मनोरंजन ना शादी के बाद होता है मनु अब चार पांच घंटे के लिए हम तुमसे शादी तो नहीं करेंगे ना हमारा वो मतलब जरा भी नहीं था पर हम ना तुम्हें घर छोड़ देते हैं चलो छोड़ दो भाई सुनो तुम तो हैंडसम हो तुमको कोई भी मिल जाएगी अरे कैसे लड़के हो यार तुम एक लड़की तुम्हें सामने से ऑफर दे रही है तुम समझ ही नहीं रहे हो पहले कभी किया नहीं है क्या तुम जो भी समझो अगर तुम्हें खत्म करना है तो तुम खत्म कर लो हम इसके बाद तुम्हें घर छोड़ेंगे बैठो हाँ बैठो काफी सख्त लौंडे हो यार तुम बिल्कुल नहीं पिघले मतलब टेस्ट ले रहे थे तुम्हारा काफी सही लड़के निकले तुम मनु हम मिडिल क्लास लड़के ना ही खुद को किसी की नजरों में कभी गिराते हैं ना ही किसी की मजबूरी का कोई फायदा उठाते हैं तू है मेरा मैं तेरी फिर काहे की पर्दादारी है रंग तेरा हो रंग तेरा ऐसा चढ़ा के मेरे रंग पे भारी है रंग तेरा ऐसा चढ़ा के मेरे रंग पे भारी है बेवजह ही तो नहीं है मेरा तुम पे मरना मैं दीवाना हो गया हूँ कह रही है दुनिया तेरा मेरा वास्ता है सदियों का मेरे लिए तू हवा का मीठा झोंका तेरे बिना सुबह होती है कहीं और दिन कहीं है ढलता ओ तू है मेरी मैं तेरा फिर काहे की पर्दादारी है रंग तेरा सीता मैया की हरण बजी मोड़ी ताली बजा रही है ऐसा चढ़ा के मेरे रंग बेवारी है क्यों कर रही यार तुम ऐसा हम क्या कर रहे हैं हमें यार यार सुबह से हिचकिया में हिचकिया जा रही है रिहर्सल करना मुश्किल हो गया हम काम पे हैं अच्छा काम कर रही हो क्या हमें लगा मैं याद कर रही होगी चलो तू फिर कोई और याद कर रहा होगा हम वहाँ फोन लगाते हैं ना एक मिनट मिनट हम ही याद कर रहे थे मनु का रिश्ता लेके हमारे घर पे आना है और हमारी लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाना समझ गए देखो पंडित जी तुमने इतनी जिद करी है तो आ गए हम वरना जाते नहीं हम कभी भाई साहब लड़की बहुत अच्छी है आप चलिए तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं कुछ अजीब टाइप से अंधे हैं बेचारे देखो जी हमने तो जो पूछना था पूछ लो अब आपको कुछ बताना हो कहना हो तो आप जी हम शादी के बाद हमारी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं पंडित जी ये बात हमने आपको बताई थी ना हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती हैं करता तो आपका बेटा भी नहीं है लेकिन भाई साहब इसमें गलत क्या है जब तक रंजन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक चलने दीजिए वो लड़की 50-60 हज़ार रुपये कमाएगी ना तो घर में सामान और सम्मान दोनों आएंगे ये बात तो सही है इनकी हाँ भाई साहब जॉब क्या करते वो पापा छोटी छतरी बनाने वाली कंपनी है उसी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है लिटिल अम्ब्रेला घर वालों को छाते फ्री में दोगी ना या हमसे भी पैसे लोगी रिश्ता पक्का हो गया हमारी तरफ से अरे वाह अब आप तैयारियां कीजिए शादी ठीक है जन्मों की डोरी से बांधा है प्यार का ये बंधन तुझको सांसे नजराना दूं के मैं तुझ पे जानवारूं तेरे दिल को जीत लूं मैं तुझ पे सारी दुनिया हारूं तेरे बिना सुबह होती है कहीं हर दिन कहीं है ढलता ओ तू है मेरी मैं तेरा तुमने अपने घर वालों को बताया है ना कि हमें कंडोम बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं कुछ दिनों में बता देंगे पक्का और ये हमारी फेवरेट वीट बियर
मेरे रंग बेवारी है रंग तेरा ऐसा चाहा के मेरे रंग बेवारी है इधर आओ 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 इधर बैठो आजा बैठ जा बैठा सोई नहीं ना बात भाभी खुशखबरी इसी साल दोगी ना है देश की यही प्रॉब्लम है शादी हो या सरकार सबको खुशखबरी पहले ही साल में चाहिए सही कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हमें देख लो पहले ही साल में बच्चा करके जिंदगी और फिगर दोनों खराब कर लिए अरे जो होता है अंतर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में वो जो है ना अरे गुप्ता जी उनकी लड़की की हुई है लव मैरिज इतनी फोटो डालती फेसबुक पे भगवान का साम क्या बताएं कभी मनाली जा रही कभी नैनीताल कभी कहाँ गई थी अभी ये गोवा हुआ गई थी बाप रे आप शादी के बाद घूमने नहीं गई गए दो बार घूमे हम अच्छा कब दोनों बच्चों के टाइम जब चक्कर आए थे तब घूमे बता हम कहाँ घूमेंगे पिताजी मजा आ रहा है जब से बहू आई है तब से घर में रौनक बढ़ गई है दादाजी अब आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा विदेशी स्टाइल में बैठना बाप सिया जी की जेब से मिले हैं 100 रुपया हाटिलू खरीद सारा खर्चू में दया चली चली रे बाजार कर ले चली चली मैं बाजार कर ले सिया जी की जेब से मिले हैं 100 रुपया हाटिलू खरीद सारा खर्चू में दया चली चली रे बाजार कर ले चली चली रे बाजार कर ले चली चली रे बाजार करने चली चली मैं बाजार करने क्या टेस्टी बियर है यार मजा आ गया पियो पियो और पियो और पियो गेहूं से बनती है गेहूं से बियर बनती है और आज तक हमारी बीवी सिर्फ हमें गेहूं से रोटियां खिलाती रही भैया आप ये सब छोड़िए ना हमारी बात सुनिए हमें आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है भैया मनु की कंपनी लिटिल अम्ब्रेला में जो अम्ब्रेला है ना वो भैया वो अम्ब्रेला नहीं है वो कॉन्डम है डरपोक पतियों से मजाक करता है
नहीं, मनु कॉन्डम बेचती है। क्लिक। 5 किलो घी, 8 कपैची, चंदन की लकड़ी, 1 मटका, 1 पंडित और कुछ रोने वाले लोग। भैया ये सामान तुम्हारी आरती का है बे। मेक इट 2 भैया। क्यों? आपके साथ हमें भी तो जला देंगे। अबे हमारे बाप को जानता नहीं है तू, तीनों को एक ही में डाल देगा। रुको तुम, ये रखो तुम्हारे बियर के पैसे। चलो बे तुम उठो, खाए तो काजू भी है। अच्छा अब बड़े भाई से हिसाब करेगा तू? हाँ? तब दे रहे हो तो पूरे दो। चलो आओ। भैया बात तो सुन लो पूरी। कौन हो तुम? और क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अरे यार थोड़ी सुन लो यार प्लीज। चल भैया। मैन भैया किस डॉक्टर के पास ले आए थे? आंख तो एक बार चेक की, मुंह 6 बार खुलवाया। पिताजी एमपी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। सबसे बड़ा। बैठो दादाजी। हाँ बैठ गया बैठ गया। बेटा क्या लड़की का पूछा था? सबको पता है वो बात। इस उम्र में कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? आपका तो पता नहीं, हमें सुनने में शर्म आ गई। चलो घर चलते हैं। बहू है हमारी। किधर पापा? पीछे कर। बहू का पीछा क्यों करना है? शाम को मिलेगी ना घर पे। सही कह रहे, शाम को मिल जाएगी। ये लड़का कौन है जिसके संग बैठी है? गाड़ी चला, गाड़ी चला। वो मनु नहीं है पापा। उससे क्या लेने देना है मनु हम लोगों को? ये लड़का है कौन? इसको देखा है हमने कहीं? अरे मैं भी देखूं? दादाजी अभी ऑपरेशन होना बाकी है। तेज चला गा। पापा नई गाड़ी है। बेटा बहू भी नहीं है। सेल वाला आइडिया ही कमाल था मनु। लेफ्ट ले लेफ्ट लेफ्ट ले लेफ्ट। ये चक्कर लिया मैंने, सर को बोलो ये ओके, आज के आज करवा दो परी, ठीक है? अरे मनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो रोज करती हूँ। नहीं रोज तो हम करते ना यहाँ पे जो होता है। अच्छा हमें सरप्राइज देने आई हो, वाह ताली। सुनो तुम हमसे मिल ली अब जाओ। देवी तुम क्या सुबह सुबह चढ़ा के आए हो बियर फिर से? ऐसी हरकतें करोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ना भी नहीं है, हम तो पीछे के बारे में सोच रहे हैं। पीछे के बारे में क्यों? हाँ इंसान को जब जब मौका मिले पीछे देखना चाहिए, अपने खड़े मिलेंगे। और हमने तो ये सोच लिया है कि हम लाइफ में पीछे देखेंगे, पीछे के बारे में सोचेंगे, पीछे बढ़ेंगे। क्या बक रहे हो तुम? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी है कि एवरी सक्सेसफुल लड़की देयर इज फैमिली बिहाइंड? क्या बकवास कर रहे हो मनु? सर तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे फैमिली वाले आने वाले आज? हमारी फैमिली? कौन सी फैमिली? अरे बहू जे काम करती है, जे बात पता थी तुझे? पापा
थोड़ा थोड़ा हाँ नहीं मतलब काफी कुछ लग गया। अरे पता तो रहने दो पापा पापा रहने दो भाई साहब जे चप्पल पहले निकालते तो आज हमारे सर की पगड़ी ना उछलती। अरे पहले कहाँ से निकालता, हमने खरीदी कल है। तेज हो तेज भाव की वजह से पूरे पूरा घर बदनाम है। सॉरी पापा। प्रधानी चुनाव सर पे आ रहे हैं। अब जे बात मोहल्ला में पता चल गई तो हम तो बर्बाद है गए। चचा कहा बात कर रहे हो? अरे इधर जवाब मोहल्ले में फैल गई तो बदनामी आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत छोड़ना, पूरी लेना, क्योंकि हमने सब क्लियर सुन लो है, सबको आगे बताएंगे। क्या बंटी? अरे पापा ये लता का मोड़ा इतना हरामी है ना कि खुद के घर की बात भी जाके मोहल्ले में बता देता। हम तो पहले ही कह रहे थे दादाजी देख दाख के रिश्ता करो। भाई साहब कितना अजीब लगेगा जब पड़ोसी हमारे घर दूध चीनी पत्ती की जगह कंडम मांगने आएंगे तो। अरे भाभी एक आध पैकेट कंडम मिलेगा क्या? मैं कल वापस करती हूँ आपको। हाँ, क्यों नहीं, डॉटेड दो या नॉर्मल? भाभी कोई भी चलेगा। मैं अभी लाई। जी भाभी हाँ? वो काला खट्टा फ्लेवर होगा क्या? नहीं वो तो खत्म हो गया। मैंगो चलेगा? नहीं नहीं मैंगो से तो हमको एलर्जी है। स्ट्रॉबेरी लेके आते रुको। ये बात कान खोल के सुन ले हमारी, जा घर में, कंडम फैक्ट्री में काम करने वाली बहू नहीं रहेगी। बस आप सबको हमारी जॉब से प्रॉब्लम है ना, तो हम ये जॉब छोड़ देते हैं। ओके गुड, समझदार बहू है, दिक्कत ही खत्म। चलो खाने वाने की तैयारी कर, चलो तुरैया बनेगी आज। चीयर्स। गलती हो गई यार, माफ कर दो। गलती? तुम टाइम से घर वालों को जॉब के बारे में बता देते तो आज ये नौबत नहीं आती। एक बात बताओ, गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? हाँ। तुम गाड़ी चला रहे थे तो दाएं बाएं लेफ्ट राइट गाड़ी कहीं भी घुमा लेते ना, ठोक देते गाड़ी। ऐसे ठोक देते यार, तुम्हारी नई गाड़ी है। और ऊपर से ना इंसान को हमेशा दूसरी गलती दिखाई देती है। तुम लोग वहाँ लाखों कॉन्डम बनाते हो, दरवाजे में 200 रुपए घंटी लगा सकते कि कोई बाहर वाला आया तो घंटी बजाता है कि अंदर वाले को पता चल जाए कि बाहर कोई बाहर वाला आया तो अंदर आना चाहता है। पर नहीं, सीधे मुंह उठाओ अंदर चले आओ, फैक्ट्री की मंदिर। घंटी तो हमारे घर पे भी नहीं है तो यहाँ कॉन्डम बनते। गुड, आई एम सॉरी टू। मैंने सॉरी कब बोला? इतना कुछ बोल सकती हो, एक सॉरी नहीं बोल सकती तुम? ठीक है मत बोलो, कोई बात नहीं। मन्नू कर लेंगे यार कुछ, निकाल लेंगे इसका सोल्यूशन। चीयर्स। अरे पढ़ी लिखी बहू है, केवल करने दो उसे नौकरी। पिताजी हम जे कह रहे हैं। क्या कह रहा? बहू से नौकरी करवाने की जरूरत का है। अरे इस घर में कोई ठीक से कमाता है? कब होगा मेरे आंखों का ऑपरेशन? प्रधानी चुनाव जीतते ही करवा देंगे। मतलब कभी नहीं, लगता है पूरी जिंदगी अंधे ही रहना पड़ेगा। पापा आपको मनु के उस जॉब से प्रॉब्लम थी, उसने आपके एक बार कहने पे छोड़ दी। नए जॉब पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डब्बे तो बेचने हैं। हाँ जा दो लोग कमाते हैं तीन सही। दो कौन? अरे हम और हेमंत। अरे इसे कमाना बोलते हैं? इतना कम कमाते हो कि लगता है किसी बारात से लूट के लेके आए हो। हाँ बड़े आए कमाने वाले, केवल करने दे मनु को नौकरी। अब भाई ठीक है, अब आप सब लोग कह रहे हैं तो, पर भाई घर की इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए।
अब आपको हर डब्बे पर कमीशन मिलेगा। इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। हम आपको काम समझाते हैं। जी देखिए, ये शगुन के डब्बे हैं, इनकी एक साल की गारंटी होगी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनमें आप गर्म खिचड़ी डालोगे तो बहुत टाइम तक गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं होगी, और अनब्रेकेबल है, टूटते नहीं। अच्छा, तो झगड़ा हो जाए तो इसे पति को फेंक के मार सकते हैं? उसके लिए तो आपके पास घर पे और भी बर्तन पड़े ना, बेलन। बेटा, इसे भी अपने साथ रख लो ना, कछु सीख भी जाएगी और चार पैसे भी कमा लेगी। अरे माँ जी, हम तो ये तो तुम्हारी बहन के जैसी है ना बेटा? अरे खड़ी खड़ी का देख रही है। लाइए दीजिए, मुझे उठा, जल्दी उठा। ये सगुन के डिब्बे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप जितने भी चाहे नाखून मार लो, इस पे स्क्रैच नहीं पड़ते और ये टूटते भी नहीं है, ये अनब्रेकेबल है। और आज अगर आप इनको खरीदेंगे तो इस पे स्पेशल ऑफर है, 50% तक की छूट मिल सकती है। दीदी, आज मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं? हाँ चली जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। चले। ये बाइक किसकी है? दोस्त की मांग के लाए तुम्हें घुमाने के लिए। बैठो। बात बताओ, घर पे पैसे तो है नहीं, तो चुनाव का प्रचार कैसे हो रहा है? अरे वो विधायक है ना, काशी तिवारी, वही स्पॉन्सर कर रहा है। पॉलिटिक्स, पता नहीं किसमें किसका क्या फायदा जुड़ा होता है। चले। हेमा। हाँ। दो तीन दिन से पूजा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? दीदी आपको नहीं पता क्या, आज उसका पंचायत में फैसला है। पंचायत में फैसला? मैंने तो पहले ही बोला था, क्या सोशल मीडिया और मोबाइल ने सब मौड़ी मोड़न ने बिगाड़ के रख दिया है क्या? मौड़ी ने तो पूरे गांव की नाक कटवा दी है सरपंच साहब, आस पास के सब गाँव में थू थू हो रही है हमारी। हमारी मौड़ी का तो जीवन ही बर्बाद हो गया है, पेट से है, कौन करेगा शादी अब इससे? तुम्हारी मोड़ी ने हमारे मोड़ा से प्यार करने से पहले हमसे पूछ दे क्या? जो इलाज में लगेगा वो दे देंगे और ऊपर से भी दे देंगे। कुछ और पैसे देके खरीद ही लो ना, फिर जो चाहे कर लेना। ए लड़की, कौन हो तुम? कमाल है, बोल भी रहे हो लड़की और पूछ भी रहे हो कौन। लड़की हूँ काफी है। ए लड़की, तुम बीच में मत पड़ो, ये पंचायत का मामला है। ये पंचायत का नहीं, इस देश की हर लड़की का मामला है, और बजाय इस लड़की की मदद करने के आप उसका अबॉर्शन करवा रहे हो। और गलती क्या है, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया? गलती तो ये है कि आप में से किसी ने भी इन्हें कॉन्डम इस्तेमाल करने को नहीं कहा। लड़की हो करके कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है जे, हैं? तुम्हारे परिवार की है का जे? दीदी प्लीज। नहीं पूजा, गलती तुम दोनों से हुई है तो सिर्फ तेरा अबॉर्शन क्यों, इसकी भी नसबंदी होनी चाहिए। नसबंदी? सरपंच साहब क्या बात कर रही है जे? अबे काम करो, इनसे ही फैसला करा लो। चलो भाइयों, चलो दीदी प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए। पूजा कहाँ है, इतने दिनों से काम पे भी नहीं आई है, कहाँ जा रहे हो आप? पूजा, अरे सुशीला जी क्या हुआ, हमें बताइए हुआ क्या है? बेटा उस दिन अगर हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारी पूजा जिंदा होती। मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत मना किया, पर उसने बिना बताए मेरे बच्चा गिरवा दिया, उसकी पूरे शरीर में जहर फैल गया। अब नहीं रही पूजा हमारे बीच बेटा।
रंजन उठो। रंजन तुम्हें पता है हमारे अपने देश में हर साल कितने अबॉर्शन होते हैं? हमें नहीं पता। अरे रंजन उठो, उठो, ये देखो उन अबॉर्शन की वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों की जान जाती है। नहीं पता। रंजन उठो, हमें कुछ करना चाहिए। रंजन मनु तुम्हें पता है हमारे देश में हर मिनट कितने लोग गरीबी से मरते हैं? अब अपना घर बेच के इस देश की गरीबी तो नहीं मिटा सकते ना हम। सो जाओ यार। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी जग गई तुम। बड़ी देर से जगी। सुनो रंजन, हम हमारी पुरानी जॉब ही ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या क्या कह रही हो यार मनु, तुम्हारी वो टिफिन वाली जॉब में क्या प्रॉब्लम है? वो सिर्फ एक जॉब है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम निभाना चाहते हैं। अरे पर तुमने इतना बड़ा डिसीजन, मनु तुम्हें जॉब नहीं कर सकती, कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लिया होता यार। कल रात तक तुमसे पूछ ही रहे थे, अब तुम्हें बता रहे हैं। मनु ये क्या फिजूल की बात है यार, इतनी मुश्किल से तो हमारे घर वाले तुम्हारे जॉब के लिए माने, पर तुम्हें फिर वही छतरी। कोई तो वजह होगी ना हमें जो ये जॉब करनी है। कोई वजह वजह नहीं है, सिर्फ जिद है तुम्हारी। मनु तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया क्या कि उसके आगे हमारे परिवार वाले कुछ भी नहीं? तुम्हें इतनी बार प्यार से समझाया, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, पर नहीं, तुम्हें हमेशा वही करना है जो करती आई हो। और तुम्हें वही बोलना जो तुम्हारे फैमिली वाले बोले। मनु अगर तुमने एक भी पाव दरवाजे के बाहर रखा ना तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो तुम वैसे भी नहीं खाओगे ना, आज तुम्हारा फास्ट है। मनु मनु बात तो सुन लो यार, वो तो मजबूरी यार, समझती तो हो तुम। मनु योगा कर लो जी। मनु मनु ठीक है, तो फिर इसके बाद हम भी तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। स्टैंड तो तुम वैसे ही नहीं लेते हो, हमारी लव मैरिज के लिए भी नहीं लिया था, तभी तो अरेंज मैरिज प्लान करनी पड़ी हमें। पिताजी तो तुम रहने दो। बेटा रंजन। जी पापा। बेटा इधर आओ। जी पापा। जी पापा। बेटा ती और मनोकामना की लव मैरिज है। ती कौन बोला? जेका कह रही। सुन लिया आपने? वाह, इतनी बड़ी बात और तुमने हमें अब तक अंधेरे में रखा। कहाँ अंधेरे में रखा, आ तो गए उजाले में, पता तो चल गया आप सबको। तूने तो नहीं बताई पहले। हम आपको पहले बता देते तो कौन सा हमें कंधे बिठा के मंडप तक ले जाते। क्यों पापा? चप्पल कहाँ है हमारी? अभी लाया। विजय रंजन भैया, अरे रुक जा। हाँ रुक जा। क्या हा? क्या तुमने हमको क्वांटो फैक्ट्री के बारे में बताया, लव मैरिज के बारे में कहा नहीं बताया? तुम्हें बताते तो कुछ कर लेते हैं। नहीं इसलिए नहीं बताया। मार पकड़ो पापा, संभाल लेना। पापा पकड़ लिया। पापा जी और काका छुपाया था ना, बता दे भाई। हाँ मनु हमसे थोड़ी बड़ी है। बहुत बड़ी? इससे ही बड़ी है? इतनी नहीं, बस दो ढाई साल। और हम कभी कभी बियर पीते हैं। स्ट्रॉन्ग? हाँ पापा। तू भी पीता है? लाइट। हद की बेशर्मी है इस घर में, कभी वो पैकेट, कभी जे बियर, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और यहाँ से चाय, चाय भाई साहब, चाय। बहू कहाँ गई है? वही वही कहीं काम पे, पुराने वाले। ए पिद्दी गुरु कहाँ है? ओ, सर मैं क्या कह रहा था, सर सर हम जो नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा जी बोल रहा। भाई जब किस खुशी में? बकवास नौकरी है सर ये। अच्छा। एकदम बकवास नौकरी है।
नहीं पैसा वैसा मिल रहा है ठीक है, मगर इज्जत भी कोई चीज होती है। अब हमारे मोहल्ले वाले हमसे पूछ रहे देवी क्या करते हो, तुम क्या बताएं? बोलो कंडोम कंपनी में काम करते हो? हाँ, ताकि हमारी शादी ना हो। एक काम करो, इन्हें प्यार से ले जाओ दरवाजे के बाहर, सड़क के पार मंदिर के पास बैठा गया ठीक है? सर मनु 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 तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? जी हम पूछ चुके हैं सर, आप आगे का पूछिए। मनु कैसे आना भैया? सर हम आज से हमारी ये जॉब दोबारा ज्वाइन करने आए हैं। फिर से बोले क्या गई? आज से हम इसी कंपनी में काम करेंगे। गॉड ब्लेस। सुन रहे हो तुम लोग? शी इज बैक, कह रही हम दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं यहीं पे। गॉड ब्लेस। मनु जी तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला है। हाँ ठीक है। सर थोड़ी देर पहले आपको हम यही कह रहे थे, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें इज्जत मिले, और सर इससे इज्जतदार काम दुनिया में कोई नहीं है सर। ठीक है सर, दिस इज बेस्ट जॉब सर। इन्हें भीतर ले जाओ। सर हम मां कसम खाते हैं हम आज के बाद यहां से जाएंगे ही नहीं। अरे हमें बताओ यार। हम नहीं जाएंगे, तुम मरते दम तक यहां से हिलोगे नहीं। हां नहीं। हां तुम्हारा केबिन तुम्हारा वेट कर रहा है। नहीं सर, पहले हम सबके साथ कुछ बहुत जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा अबॉर्शन होते हैं। आप सब शायद ये जानते नहीं है, पर जब एक लड़की का अबॉर्शन होता है तो वो कितनी तकलीफों से गुजरती है। उल्टी, दस्त, बुखार, भारी ब्लीडिंग, यूट्रस डैमेज हो सकता है, दोबारा कंसीव करना मुश्किल हो सकता है। एक अबॉर्शन एक लड़की को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली और इमोशनली भी तोड़ देता है। इलीगल अबॉर्शन से न जाने कितनी लाखों लड़कियों की जान जाती है। मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि हजारों रुपए खर्च कर देंगे अबॉर्शन करवाने के लिए, पर एक 10 रुपए का कॉन्डम नहीं खरीद सकते। चलो मान लेते हैं कि अनपढ़ लोगों में कॉन्डम की जानकारी नहीं है, पर पढ़े लिखे लोग लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस सर, हमें औरतों में अवेयरनेस लानी होगी, क्योंकि सच्चाई ये है सर कि मर्द कॉन्डम यूज करे ना करे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी हम औरतों को। इसलिए मर्दों से ज्यादा हमें औरतों को जागरूक करना है, औरतों को पहल करनी, औरतों को मांग करनी कि कॉन्डम इस्तेमाल करे। हम लिटिल अम्ब्रेला कंपनी से आए हैं और हम बताना चाह रहे थे कि कॉन्डम बहुत जरूरी होता है, और हम सबको बाकी औरतों को भी यही समझाना है। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? हम लोगों को आपकी बात नहीं सुननी है, चलो हम अच्छे घर के हैं, समझी? अरे आप सुनिए ना, आप तो सुनिए। कितना खूबसूरत है ना, गुस्सा तुम्हारे मुंह से। समझी जी ने भी बुलाया कि अगर थोक में ले ले तो कंसेशन मिलेगा कि नहीं? कंडोम की दुकान तो सुने थे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लेकिन कंडोम को पकार क्या हुआ? जे किसने लिखा भाई? चाचा उनने लिखा होगा जो उनने सब सुना होगा। इनने का सरनेम चेंज कर लो, प्रजापति निवास से कंडोम निवास। चलो सही है, यहीं से ले लिया करेंगे, मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं क्या कंडोम के लिए? भाई साहब ये बात आपने हमें पहले कहीं नहीं बताई कि आपकी बेटी ऐसे काम करती है। ऐसा ऐसा कैसा भाई साहब? अरे वही जो पिताजी आप बताओ। हम क्या बताएं? मैं बोलूं? दो चाय बोल दो। हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। चाय ले आओ बिन पानी की। ए बबली चाय बनाओ। एक हमारी बेटी है जिसने दामाद जी को आज तक शिकायत का एक मौका नहीं दिया, और एक तुम्हारी बेटी है शिकायत का एक मौका नहीं छोड़ा है उसने। अब तो भाई साहब इतनी बेइज्जती है गई है कि घर के बाहर कंडोम निवास लिखा हुआ है, को बाहर निकलना मुश्किल हो गया हमारा। बैठो बैठो। देखिए भाई साहब, हमारे घर में कोई ऐसी चीज ना खरीदता है ना बेचता है, तो हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो जे काम करती है। आप अपनी बेटी को घर ले जाइए जी वापस। बस ऐसे कैसे वापस ले जाएं? अरे लड़की का कन्यादान किया है हमने, अगर आपको वापस करनी है ना तो फिर बुलाओ सारे रिश्तेदारों को, ढोल नगाड़े बजवाओ। जैसे आप लड़की को लेकर आए थे वैसे छोड़ने भी चलो, कार्ड छपवाओ। पापा जी आपको हमारी इस जॉब से प्रॉब्लम थी, हमने छोड़ दी थी ना,
लेकिन तब वो सिर्फ एक जॉब थी, आज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जब से हमें एहसास हुआ है कि हमारे इस काम से न जाने कितनी जिंदगियां बच सकती है। हमें नहीं सुनना है कुछ भी। तुम जा घर की बहू हो और हमारी नजर में जो काम गलत है बस पिताजी। गलत है? आपने ऐसे ही डिसाइड कर लिया गलत है? ठीक है, जिस दिन आप ये साबित कर दोगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, उस दिन हम ये नौकरी दोबारा छोड़ देंगे। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? दो चाय बोली थी, अभी तक आई नहीं। तुम्हारी चाय ना बनी अभी तक? पूरा खानदान ही है सो। अरे भाई साहब, आप तो दिल पे ले गए ये बात। और कहां ले जाएं? नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अभी बिटिया छोड़ दो ये जॉब, ठीक है? पापा आप घर पहुंच के फोन कर देना। अरे मनु, इतनी जिद भी ठीक नहीं है। जिसने भी हमारा सामान बाहर निकाला है, अगली बार ना निकाले, जमाने में 4 घंटे लग जाते हैं। मनु, मनु क्या कर रही हो यार तुम ये सब? क्या रंजन, अलमारी में से कपड़े निकालने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि तुम अपनी पत्नी को घर से निकालने के लिए सामान पैक कर रहे हो? वो पापा, आज भी तुम हमारे लिए कुछ नहीं बोल पाए ना। एक अच्छा बेटा बनते बनते तुम भूल गए हो कि तुम किसी के पति भी हो। आज पहली बार हमें तुमसे शादी करके रिग्रेट हो रहा है। हमें ही समझना चाहिए था कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उनकी पत्नी के लिए क्या ही लेगा। इश्क निभाना ते साडा दिल मोड़ दे, प्यार करके नी असी पछताना है, प्यार करके नी असी पछताना। तू भी बस साडा दिल मोड़ दे, मैं ता यादा दे बने रे नहीं बैना ते साडा दिल मोड़ दे। अरे भाई नहीं करनी मतलब नहीं करनी, मना कर दिया ना यार, क्यों कर रहे हो बार बार फोन हमें? छोड़ दी तुम्हारी मंडली, महाभारत हो चाहे रामलीला यार, नहीं करना। इश्क दी राह विच कंडे आदि थोड़ना, जे तू मेरे नाल है ता किसे दी भी लोड़ना, मेरे जे हयार तेनु मिलु कोई होरना, प्यार वाली डोर पक्की एवे एनु तोड़ना। मेरा फर्ज सी तेनु समझाना है, मेरा फर्ज सी तेनु समझाना। तू भी बस साडा दिल मोड़ दे, मैं ता यादा दे बने रे नहीं यो बैना, तू साडा दिल मोड़ दे। पति पत्नी के हस्ताक्षर करवा दीजिए, समझिए विवाह विच्छेद हो गया। ले बेटा साइन करवा ले बहू। तेरी मेरी प्रीत सोनी है, 4 दिनां दी ना रह जाए, तेरे विच मैं मेरे विच तू, इस दुनिया नू नजरिया वे। डर लगदा है इश्क तो यारा। सर हम रंजन बोल रहे हैं, मनु अभी भी ऑफिस में है क्या? बेटा वो तो कब की निकल जावा का, टूटिया दिल तू
फिर जो हमें छोड़ जे तू टूट के नी प्यार निभाना है जे तू टूट के नी प्यार निभाना तू भी बस आटा दिल मोड़ दे मैं ता याद आ दे देवी भाई मनु आपके साथ है क्या नहीं है तू साडा दिल मोड़ दे भाई साहब ने ले लिया वो भाई साहब ये लो तुम्हारे पैसे हम अपनी टिकट खुद खरीद लेंगे तुम्हें अब से ये सब करने की जरूरत नहीं है अब से माना कि हम ज्यादा पैसे नहीं कमाते पर इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हारे लिए एक बस का टिकट नहीं खरीद सकते बीवी हो हमारी बीवी है हाँ तो हमें डिवोर्स क्यों दे रहे हो अरे मनु रुको यार मनु तुम अब भी उसी बात पे अटकी हो यार कौन सी बात तुम्हें याद भी है हमारा झगड़ा क्यों हुआ है तुम्हारी जिद और क्या कौन सी जिद हम शादी से पहले भी तो सेम जॉब करते थे तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जब तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम हुई तो हमने जॉब छोड़ दी थी ना हाँ तो फिर दोबारा वही जॉब ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी मनु जरूरत थी तभी तो ज्वाइन की ना पर क्या तुमने जाने की कोशिश की वो जरूरत क्या थी पर मनु तुमने समझने की कोशिश की तुम्हारी इस नौकरी के कारण पिताजी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कॉन्डम कंपनी में काम करने से इज्जत कम हो जाएगी ये कह रहे हो तुम हमसे ठीक है अगर ये सेम जॉब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पापा तुम्हें रोकते नहीं रोकते रंजन क्योंकि तुम्हारे घर वालों की दिक्कत ये है कि उनके घर की बहू एक कॉन्डम कंपनी में काम करती है क्योंकि एक लड़की ऐसा काम करी ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना किसी को भैया बस रोको अरे बस क्यों रोको अभी हमारा स्टॉप नहीं है भैया बस चलो यार आप बस रोके मुझे उतरना है भैया बस रोको मनु भी बात पूरी नहीं हुई बस स्टॉप भी नहीं है बात पूरी अरे आप बस चलाओ यार आप बस रोके अभी बस चलाओ यार बस करो यार मेरा मतलब है दूसरी बस करो मनु एक शादीशुदा लड़का ना चड्डी के जैसा होता है दो पैरों के बीच फंसा हुआ एक पैर घर वालों का और दूसरा बीवी का यहाँ तो दोनों ही पैर तुम्हारे पिताजी के ही हैं जानते हैं चड्डी भी तो पिताजी की है और चड्डी में कितने ही छेद हो जाएं वो इज्जत फिर भी बचाती है मनु हर बेटे का फर्ज होता है अपने बाप की इज्जत बचाना मान जाओ यार छोड़ दो वो जॉब रंजन तुम्हें पता भी है इंडिया में रोज कितने अबॉर्शंस होते हैं अरे हमें नहीं पता यार और उसमें हमारा कोई हाथ भी नहीं है और तुम्हारे घर में कितने अबॉर्शंस हैं वो तो तुम्हारे घर में क्यों क्या बबली भाभी के दो अबॉर्शंस हुए रंजन कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी जान तो बच गई लेकिन पूजा ने इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपनी जान गंवा दी आई एम सॉरी मनु तुम्हें जो सही लगता है तुम करो अब से हम तुम्हारे साथ हैं प्रॉमिस लेकिन तुम्हारे घर वाले वो तो हमारा डिवोर्स कराना चाहते हैं अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कराना चाहते हैं हम करेंगे थोड़ी ना मतलब कि अब मनु और रंजन मिलके करेंगे थोड़ा मनोरंजन अरे सब ठीक तू चिंता मत ना कर दादा
क्या बड़बड़ा रहे अनिल में? सब्जी हमने नहीं खाई थी। दादाजी। बालक है का? दादाजी इधर आइए, हम आपको अपना घर दिखाते हैं। कहाँ है रहो है? जे कहाँ से मिलो बेटा? चाची के रूम से लेकर आए हैं। रंजन, रंजन, जी पापा, कहाँ है? इधर पापा। रे हग रहा हुआ? बाहर निकल। पापा मैं अभी आया हूँ, आप दो मिनट रोक लो। बाहर निकल। जाओ। पेपर साइन है गए? पेपर? डिवोर्स पेपर। आज पेपर साइन है जाने चाहिए। हो जाएंगे पापा। इन पेपरों पर साइन करो मनु। हम साइन नहीं कर सकते। अरे क्या फायदा तुम्हारा डबल एमए करने का जब तुम एक सड़ा सा साइन नहीं कर सकती। हमारे पिताजी हमारे भगवान हैं, उनका लिया हुआ हर एक फैसला अटल है, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। इन पेपरों पर साइन करो मनु। आपको डाइवोर्स क्यों चाहिए? साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? हजार कारण है जी। कोई 10 बता दो। सर कारण है, ये हमेशा आई लव यू का जवाब थैंक यू से देती हैं, बर्तन धोने वाले साबुन से कपड़े धोती हैं, अलग अलग गानों पर सेम स्टेप करती हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं इधर उधर देखती हैं, इधर कभी देखती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखती। हमारे लैपटॉप और मोबाइल को पानी में धोती हैं, मोबाइल का बार बार पासवर्ड चेक करती हैं, जब भी किचन में जाती हैं तो बेलन से लेकर अपनी पीठ खुजाती हैं। बस 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 बस। और आप मनोकामना जी? चीतन मुंह पे हाथ नहीं रखता है, मंगलवार को नाखून काटता है, गुरुवार को बाल काटता है, एक ही अंडरवेयर घुमा घुमा के पहनता है, पूरा दिन सोता है, रात को जगता है, कुछ काम नहीं करता है, सेविंग्स तो कुछ भी नहीं है, सारे पैसे खर्च कर देता है, और वॉशरूम करते हुए चटकनी भी नहीं लगाता। ये सब तो ठीक है, लेकिन तलाक लेने का कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए। सब हम बता रहे हैं, चाल चलन ठीक नहीं है बहू के। अरे चाल चलन ठीक नहीं है मतलब? जगह लंगड़ी चलती है। जो उंगली आप हमारी मनु पे उठा रहे हो ना, ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। ये आपकी बहू भी है, हमारी मनु बहुत ही चरित्रवान है। तो कंडोम क्यों बेचती है? कंडोम ही तो बेचती है, कोई पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो नहीं बेच रही है ना? क्षणिक रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए। भाई साहब आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि लड़की कंडोम बेचती है? वकील साहब बताने ही वाले थे। कब? केस हारने के बाद? अब ऐसी बातें कहां छुपती हैं वकील साहब, आ गई ना सामने। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मेरा विरोध ये है। अरे बात विरोध क्यों हो रही है? रुकिए रुकिए, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है मनोकामना के कंडोम बेचने से? आपके घर की बेटी कंडोम बेच रही हो, कैसा लगेगा आपको? आ गई ना खांसी, है? देख रहा हूँ। अरे तो खांसी तो आई है बस। 6 महीने में या तो आप अपना मामला सुलझा लीजिए, वरना अगर आपस में सुलह नहीं हुई उसके बाद तलाक। 6 महीने? बबली, बबलू, बब्बू, आज मूड बैड बैड हो रहा है, गुड़ खाएं? अकेले खा ले, हमारा मूड नहीं है। इतने दिन बाद तो बच्चे नानी के यहाँ गए हैं। बोलो ना, गुड़ खाएं? अब रात भर जागते हैं। रात भर जागने से पहले लाइफ में जाग जाऊं? तुम्हें पता है ना, पहले भी हमारा 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। तुम्हें अब तक नहीं समझ आया कॉन्डम कितना जरूरी है? मनु भी यही समझाना चाहती थी, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। रात भर जागना है ना? हाँ, तो जाके प्रोटेक्शन लेके आओ। कौन है? दादाजी हेमंत। हाँ जी बोलिए। रात गए, कहाँ जा रहा था? गैस हो गई है, जीनो लेने जा रहे हैं। अब तू जा ही रहा तो
मेरे लिए भी लेते आना जीनो। हाँ? एक जीनो देना। वो एक और चीज थी, क्या थी? एक मिनट। आ गया मेरा। हेलो। हाँ भाई, क्या? अरे यार, अब तू मेरे से ये काम करवाएगा? नहीं यार, मैं तेरे लिए कॉन्डम नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, लेता हूंगा, लास्ट टाइम, आखिरी बार, इसके बाद नहीं लाऊंगा फिर। हाँ, तुम्हारे दोस्त के लाने, लिटिल अम्ब्रेला। लिटिल अम्ब्रेला, ये तो अपने घर का ही है। हैं? नहीं, कुछ नहीं। गए क्या? अरे दादाजी, लाइट को बंद कर रखी है। रात में सोते वक्त मैं बत्ती बंद करके ही सोता हूँ। ये लो, ये आपका जीनो। लाया? हाँ। अरे अच्छा किया। चलो चलो, बबलू में आ गया। पता कौन सा लाए हैं? कौन सा? मनु वाला। अच्छा, लिटिल अम्ब्रेला। ग्लास कहाँ गया? हाँ? दादाजी, वो जीनो एक्सपायरी डेट का था। हाँ, इसलिए झागनी पैदा हो रही थी। आपके लिए नया वाला भिजवाता हूँ। हाँ, जल्दी भिजवा, बहुत हालत खराब है। दादाजी, आप बॉर्डर पे होते तो दुश्मन को ऐसे ही मार देते। घर में गुड़ और बाहर चीनी। भैया को धोखा मत देना। ऐसा कभी सोचना भी मत बावली कि हम भैया को धोखा देंगे। इतने सीधे हैं जे, इतने सीधे हैं। चट्टी बनियान भी अपनी ना शर्ट के नीचे सुखाते हैं, पर हम इन्हें धोखा देंगे? लायल हैं हम, पूरी तरह लायल हैं उनके लिए। वो ऑटो वाली चुम्मी लेते हुए ना कभी कभी मुझे चुभ जाती है, लेकिन हमने उफ तक नहीं करी आज तक। समूच बोलो ना, ये ऑटो वाली चुम्मी क्या होती है? क्यों, तुम्हें नहीं पता हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं? हिंदी मीडियम के हो, लेकिन हरकतें सारी इंग्लिश मीडियम वाले कर देते हो। नहीं, वो जरा चेक कर रहे थे अपने आप को कि अभी भी ये चुंबक लोहा अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं। घर का लोहा क्या प्लास्टिक बन गया? प्लास्टिक नहीं बना, मगर जंग जरूर लग गई है। काम करते करते पल्लू नीचे हो जाए तो बिलाव के बारे में नहीं पूछते, सिर्फ टिफिन के बारे में पूछते। कल रात में हमने ऐसी टांग धरी उनके ऊपर, फिर हमने पूछा कैसे लग रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, वजन लग रहा है, वजन लग रहा है, इतने भारी है, बता वजन लग रहा है। कायरे जैसा, मैं सम्मान के लिए बुलाया हूँ क्या अपमान के लिए बुलाया?
अरे माला तो भूली का भाई साहब। ए माला ला। ये सब लिटिल अम्ब्रेला कंडोम कंपनी के सौजन से हुआ है। वे बोले कि समोसा, कचौड़ी, चाय, बिस्किट, स्टेज, कुर्सी सब उनकी तरफ से, और उनने पैकेट भी दिए हैं खाने के। एक तो एक्स्ट्रा हम आपके लिए भी ले आए। तो डब्बा कम तो नहीं है? टीवी नहीं है उनकी। भाई साहब विधवा है। भाई साहब, भाई साहब, एक्शन। प्यार का जब भी हो मन, सबसे पहले प्रोटेक्शन, लिटिल अम्ब्रेला, अच्छा भी, सुरक्षा भी। कट कट। सर जे तो लग रहा धमकी दे रही है। ऐसा नहीं बोलना मनु। अरे एक सेकंड सर। रंजन हेलो, तुम यहाँ? एक मिनट आती हूँ। सर ये बिल्कुल सही से नहीं कर रही है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम एक बार बात करें। प्लीज प्लीज प्लीज। आप जिस तरह से बोल रही हैं, हमें जो चाहिए ना वो आ नहीं रहा है। मतलब है कि अगर आप ये पूरी चीज थोड़ी और जिम्मेदारी से कहे तो। जिम्मेदारी तो आप बोल के दिखाइए। हम लिटिल अम्ब्रेला कॉन्डम्स, आ जाएगा एक्स्ट्रा मसा, चॉकलेट फ्लेवर, एक्स्ट्रा डॉटेड, डबल प्लेजर। रात रंगीन, मजे, प्लेजर, यही सब देख देख कर हम 40 से 140 करोड़ हो गए। गलत है, सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं करता। कॉन्डम सही है, इसलिए उसे बेचने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो प्यार करने का जब भी हो मन, सबसे पहले प्रोटेक्शन, लिटिल अम्ब्रेला, अच्छा भी, सुरक्षा भी। का देखो, कुछ बताओगे? अब हम आओ, मुंह ताकते रहोगे, कुछ बकोगे? आप लोगों ने मनु भाभी का नया एड देखा? नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। अरे भैया पूरे मोहल्ला देख लो। अरे मनु भाभी ने ऐसा काम करो है ना कि बस घर के बाहर कंडोम निवास लिखा था, पूरे मोहल्ले के बाहर कंडोम मोहल्ला लिखा मिलेगा, हम बता रहे। कौन लिखा गया? हम स्वयं श्री बंटी लता का मोड़ा। अबे श्री बंटी तेरी। आप सबको कॉन्डम की अहमियत समझानी है, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को और आसपास की सारी औरतों को। इसलिए आप सबको इसकी पहल करनी होगी, इसकी मांग करनी होगी और इसका इस्तेमाल करना है। मनु बेटा, सुशीला जी, आप तुम्हारे इस नेक काम में हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। हमने तो अपनी बेटी खो दी, हम नहीं चाहते कि कोई और माँ भी अपनी बेटी खोए। अब हर औरत अपने साथ रखेगी प्रिकॉशन, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने खुद के हाथ में है। फिर आप चाहे लिटिल अम्ब्रेला का कॉन्डम इस्तेमाल करिए, किसी भी और कंपनी का। गलती बच्चों से होती है, बच्चे गलती से नहीं। बच्चे तो गोद में खिलाने के लिए होते हैं, गिराने के लिए नहीं। कब तक हम मर्दों के भरोसे रहेंगे? हमें सुरक्षा के साथ जीना है, प्रोटेक्शन नहीं तो सेक्स नहीं। ज्यादातर मर्द तो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, और वो करे या ना करे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है हमें। हर औरत को इसकी पहल करनी पड़ेगी, हर औरत को इसकी मांग करनी होगी, और हर औरत को इसका इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि मर्दों के लिए शायद ये सिर्फ एक जरूरत है, पर हम औरतों के लिए जरूरी है। मनु, हम सब भी आपकी इस मुहिम में आपका साथ देना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम मन्नू को लेके बाइक पे जाएं। अरे तुम बाइक से जाओ, हम टैक्सी जा रहे हैं। मन्नू, नमस्ते मैडम। नमस्ते, हम पप्पन खरे। हाँ, मध्य प्रदेश जगत समाचार न्यूज चैनल से। कौन 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 चैनल? सर मध्य प्रदेश जगत समाचार न्यूज चैनल। ओके, कैसे कैसे? वो मैडम आजकल काफी छाई हुई है, तो हमने सोचा लिटिल अम्ब्रेला विषय पे मैडम का एक लाइव इंटरव्यू चाहिए था। अरे मैडम छोटा सा है, हो जाएगा। हम कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते।
लोगों को जे लग रहा है, आपने सामाजिक भलाई के आड़ में आगे ना अपना फायदा कमा लिया, तो क्लियर कर लेते हैं लोगों से। भाई साहब थोड़ा कायदे से, सवाल ही तो पूछ रहे, इतना तेज मारेंगे ना सवाल के हाल चाल पूछना ही बंद कर दो। तमीज से बात करो तुम, आप तमीज से बात कर रहे हैं ना, लेडी से ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ऐसे बात कर रहा है। मैडम मैडम आपको मना करना है तो मुंह से बोलिए ना, ये किराया का आदमी क्यों रखा मना करने के लिए। हेलो क्या कही तने, जब पकड़ना सुन तो, इससे पहले तुम्हारी खोपड़ी की मजबूती से जूता टूटे भज लो। देवी कर्मचारी आपको इंटरव्यू करना है ना? हाँ जी चलिए अंदर इंटरव्यू करते हैं। अंदर अंदर किस लिए, आपकी मुहिम तो जनता के लिए है ना, तो इंटरव्यू भी जनता के सामने करते हैं। आइए मैडम, आपसे पहला सवाल, कॉन्डम प्लेजर के लिए नहीं प्रोटेक्शन के लिए, आपने अपनी ये लाइन कहीं सेल्स बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करी? सेल्स तो कस्टमर्स ने बढ़ाई है, हमने तो बस कॉन्डम का सही इस्तेमाल बताया है। चलिए ठीक है मैडम, वो कहते हैं एक तीर से दो निशाना, तो कॉन्डम अगर सेफ्टी के साथ प्लेजर भी दे तो इसमें गलत क्या है? हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट, ग्लव्स, एल गार्ड, ये सब कोई प्लेजर के लिए नहीं पहनता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस एडवर्टाइजमेंट से हमारे देश के मर्द और ज्यादा सावधानी बरतने लगेंगे? मर्दों का तो पता नहीं, पर हाँ हम इतना जरूर कर देंगे कि हर औरत जरूर सावधानी बरतेगी, हर औरत कॉन्डम खरीदेगी भी और इस्तेमाल भी करेगी। वैसे तो हम प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन, अबॉर्शन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते थे, चाहते भी थे, लेकिन आप उन जर्नलिस्ट में से लगते हैं जो जनता को न्यूज बताकर नहीं बनाकर देते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर का काम सवाल पूछना ही नहीं जवाब देना भी होता है। क्या नाम था आपका? पपन खरे। पपन तो लग रहे हैं, खरे कहीं से नहीं लग रहे हो आप। का विषय है चंदेरी की मनोकामना त्रिपाठी के द्वारा छेड़ी गई उस मुहिम के बारे में, जहां उन्होंने न केवल कॉन्डम को औरतों में रखने का बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ बाकी कंपनी जिन्होंने आज तक कॉन्डम को सिर्फ प्लेजर बताकर प्रचार कर रही थी उन पर भी सवाल या निशान खड़ा किया है। क्या ये मनोकामना त्रिपाठी की सोची समझी साजिश है लिटिल अमेला की सेल्स को बढ़ाने की, या फिर वो सच में लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहती है? मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने इतना शोर मचाया है कि यह संसद भवन में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने एक बदलाव को दस्तक दी है। चंदेरी की मनोकामना त्रिपाठी ने जो मुहिम शुरू की है उससे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर असर पड़ा है। इस मुहिम की वजह से कई सारी बड़ी कॉन्डम कंपनियां दबाव में आ गई हैं और उनकी सेल भी काफी गिर गई है। मनोकामना त्रिपाठी के इस एड ने सालों से चल रही बड़ी कॉन्डम कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को तोड़ दिया है। इस एड में ना केवल वो प्रोटेक्शन को प्रमोट करती नजर आ रही हैं, बल्कि औरतों के बीच इसकी जागरूकता को फैलाकर उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को भी तोड़ दिया है। क्या लगता जीतेंगे? जिस हिसाब से फैमिली की मैच चल रही है, प्रधानी तो छोड़ो, म्यूजिकल चेयर वाली कुर्सी मिलना मुश्किल है। ना जाने कब रिजल्ट निकलेगा, कब खाना खाएंगे, पता होता ना तो रात में अच्छे से ठूस के खा लेते। इतनी भूख लगी है भगवान कसम, कोई गाली भी देना तो दो दो खा लें। अच्छा हार गए? कौन है? अब हो चुका मेरे आंखों का ऑपरेशन। क्या कही थी हमने? हेलो का जीत गए हम? तुम से मजाक तो नहीं कर रहे हो? सच में जीत गए हैं? हम खाना खाने जा रहे हैं। इधर आ, ठीक ठीक बात 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 जीत गए हम, जीत गए। अरे तू क्या कह रहा था? आ, हम तो ये कह रहे थे कि हम पत्ते में हार गए। टीका लगाओ जल्दी। टीका लगा क्या?
बताओ जी। मेरे आखिर में जीत हमारी भाई। जीत गए भाई, जीत गए। इतने भारी मतों से आज तक किसी की जीत नहीं हुई। जोरदार तालियां। और इतने ज्यादा वोट तो हमारे ओरछा क्षेत्र से सन्नी लियोनी को गए थे जब मैं बिग बॉस में गई थी। ये सन्नी लियोनी कौन है? है वो मतलब किसी दूसरे क्षेत्र की विधायक। अच्छा, आज आप जिस जगह पहुंचे हैं बहुमत से नहीं, अपनी बहू की वजह से पहुंचे। तो इस जीत का श्रेय तो आपकी बहू को मिलना चाहिए। अब हम आपकी बहू मनोकामना प्रजापति से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए और आप उनका माला पहना करके स्वागत करें। हुआ क्या है? और कुछ बताओ तो सही। चले आए ऐसे रुक के। भाई साहब क्या हो गया? क्यों हुआ क्या है? यहाँ बैठिए दादी। बैठिए बैठिए आराम से। दीदी आप बैठो। छोटिया बैठो। बधाई हो। अरे भाई साहब बधाई हो। बधाई हो दादा। क्या न्यायाधीश भाई साहब, जैसा कि आपने कहा था, खिला पिला के मैंने सब कर दिया। कल ही तारीख है, इस पर हस्ताक्षर कर दो, कल के कल ही विवाह विच्छेद हो जाएगा। साइन कर। कर। नहीं पापा, क्या साइन कर। नहीं, आपका घमंड इतना बड़ा हो गया है कि उसके आगे इस घर की खुशियां और रिश्ते सब छोटे पड़ गए। आपकी इज्जत, आपकी प्रधानी, आपकी सोच, उसके आगे आपके अपने कुछ भी नहीं। हमने सोचा मनु के प्रधानी में ऐसा सहयोग करने से शायद आपके दिल में उसके प्रति थोड़ी इज्जत, थोड़ा सम्मान कुछ तो बढ़ेगा, पर नहीं। आप तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि आपकी जीत आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, आपकी बहू की वजह से हुई है। शंकर, मनु कहाँ नौकरी करेगी, कब करेगी, ये फैसला मनु कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी और समझदार वो है, उससे हक लेने वाले या देने वाले ना कोई होते हैं ना हम। आपसे एक बात और छुपाई हमने पापा, इस सब में हमेशा से मनु का साथ हम देते आ रहे हैं। हमने सोचा वक्त रहते आपकी छोटी सोच बदल जाएगी, पर नहीं। हमें ही पता नहीं चला कि कब आपका बेटा बनते बनते हम यही भूल गए कि हम किसी के पति भी हैं। दस्तखत तो नहीं होंगे पापा, ना ही होगा डिवोर्स। हरिओम,
इस पति से कह दे अपनी पत्नी को लेके बेदखल हो जाए अभी। निकल। Everything will be fine. सब ठीक हो जाएगा। मीनल की तबीयत कैसी है चाची? अभी अंदर है। ये जहां क्यों आया? वो हमने बुला लिया था भाई साहब। हमसे पूछी तुमने? इससे कह दो अपनी पत्नी को लेके जहां से चला जाए। मीनल के होने वाले बच्चे पे इनका साया नहीं पड़ना चाहिए। बस। मिस्टर गिरीश। गिरीश बेटा बुला रहा है। ग्रीस हम आओ दामाद। हो गई ना वही सिचुएशन जिसके लिए आपको मना किया था। काहे को? पहली बार जब इनकी वाइफ को बच्चा हुआ था तब इन्हें समझाया था कि इनकी वाइफ का वूम स्ट्रांग नहीं है। वूम? बच्चादानी कमजोर है। पहली प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुई। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं थी, खास करके दो मिसकैरेज होने के बाद। फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में है। जैसे ही कर सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको पहले ही पता था, उसके बाद भी आपने अपनी वाइफ की जान के साथ रिस्क लिया। एक बच्चा तो था ना आपको? अगर हमारी बिटिया को कछु है कौन खोद कर कौर दूंगा तुझे। तब तुझे पता थी कि ये सब हो सकता है, जान जा सकती है, तो क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा की? प्रोटेक्शन नहीं ले सकता था। मनोकामना यही समझाना चाहती थी। आज जब बात बेटी पे आई तो दामाद पे हाथ उठा दिया। वाह। नहीं तो हमेशा तुम मनोकामना पे उंगली उठाते आए हो। तुम्हारी आंखें होते हुए भी क्या सही है क्या गलत है ये दिखाई नहीं दे रहा है। कोई जरूरत नहीं है मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाने की। मैं जैसा हूं ना वैसे ही ठीक हूं, खुश रहूंगा ऐसे ही। हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। बच्चा और माँ दोनों सेफ हैं। हमारी पिठे ठीक है गे? हैं? जी बिल्कुल। अरे धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं तुमको? तुमने कोई पाप थोड़ी ना किया है। माफ करना यार मनु, सारी गलती रंजन की है। ना तुम इससे शादी करती ना इसके घर में जाती ना जिद्दीन देखने को मिलता। देवी क्या फालतू बात कर रहे हो यार तुम? हम खड़े हैं ना मनु के साथ आज भी। तो हम कौन सा शकीरा के साथ खड़े हैं भाई? अरे फालतू बात मत करो यार। चुप करो यार तुम दोनों। रंजन सोलह लोग हैं हमारे घर में, पर हमारे घमंड हमारी सिद्ध हमारी अकड़ ने हमें अकेलो छोड़ दिया। केवल हमारा नाम ही नहीं स्वभाव बनकर रह गया।
ये बात आज हमारी समझ में आ गई कि छोटा बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही होना इंपॉर्टेंट होता, जो तुम हो। आज हमें हमारी गलती का ही नहीं जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया। हमें माफ कर दे बेटा। पापा जी, हमें आपसे माफी नहीं, आपका सहयोग चाहिए। तू का वहां खड़ा हो गया अभी इधर। पापा जी सोचिए, कोरोना के समय अगर हमारी जनसंख्या आधी होती तो हमारी आधी से ज्यादा मुसीबत तो पहले ही दूर हो जाती। और पापा, कोरोना की तो ताकत ही भीड़ से थी, और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बेरोजगारी, भुखमरी, दंगे, इन सभी की ताकत भीड़ से ही तो है। इसीलिए तो हमें जिम्मेदारी देनी नहीं, उठानी है। क्या करें मनु, हम तो कलाकार हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप सही गलत पहचानते हो भी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। हम मनोकामना त्रिपाठी, आपकी नुसरत भरूचा, आप सबसे ये कहना चाहती है कि क्वांटम प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन है, और जो कोई भी हमारी सोच के खिलाफ है ये फिल्म उन्हीं के लिए है। ये इस फिल्म का अंत जरूर है, पर उम्मीद करूंगी कि एक नई सोच की शुरुआत होगी। धन्यवाद। Ayo, I'm a ladies out there. This one's for you. ही जन्मे सब शीशे जन्मी, दुनिया ये सारी है, अब न चलेगी लौंडों ने जो की होशियारी है। अगड़म बगड़म बहुत हुआ, कर ली नारी ने तैयारी है, इसे हल्के में लेने वालों सुन लो, सब पे एक वुमनिया भारी है। आप सब शायद ये जानते नहीं है, जब एक लड़की का अबॉर्शन होता है तो कितनी तकलीफों से गुजरती है। सृजन हुआ नारी से सबका, रूप बड़ा विकराल है इसका, काली दुर्गा सरस्वती सब नारी है, कर ध्यान तू जिसका, नारी शब्द बड़ा उत्तम है, नारी प्रतिष्ठा सर्वोत्तम है, फिर क्यों कालिक लगा रहा है, नारी को क्यों सता रहा है। जिस घर में नारी ना पूछते उस घर में दानव है रहते, पुरुषों में सर्वोत्तम वो है मर्यादा पुरुषोत्तम जो है। बहनों से राखी है, माँ से है छाया, बीवी से है घर और बेटी से माया, इनसे ही तो तू है वजूद में आया, बस इतनी सी बात तू समझ ना पाया। कारण जन्म का नारी है, कहीं अंत का ना हो घबराता हूँ, फिर से कही हुई बात में सुन लो, एक दफे दोहराता हूँ। जन्मे सब शीशे जन्मी, दुनिया ये सारी है, बुल चलेगी लौंडो ने जो की होशियारी है, हर अगड़म बगड़म बहुत हुआ, कर ली नारी ने तैयारी है, हल्के में लेने वालों सुन लो, सब पे एक वुमनिया भारी है। ये सूचना जनहित में जारी है, अरे भारी है, ये सूचना जनहित में जारी है, सब पे भारी, ये सूचना जनहित में जारी है, अरे एक वुमनिया, ये सूचना जनहित में, सब पे एक वुमनिया भारी है। अरे एक वुमनिया।